ले जी अब मुश्किल और अजीबोगरीब जो सवाल थे वो हमारे हो गए हैं खत्म अब प्रॉपर जो डेरिवेटिव्स होते हैं उस पर हम आ जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असलामैक्म जी बच्चों क्या हाल चाल है जी अच्छा भी बच्चों एक्सरसाइज करनी है हमने 2.5 और उसमें कुछ फार्मूले यूज़ होते हैं तो वो मैंने कहा पहले लिख दूँ ताकि कुछ आइडिया हो कि ये ये चीज़ें यूज़ होनी है तो पहले से थोड़ा सा हमने इस पर वर्कआउट किया हो सो देखें पहला जो अच्छा ये फार्मूले जो है ना ये फ़र्स्ट ईयर में से बाज़ जो है वो लिए गए हैं बस ये वाला जो फार्मूला ये फ़र्स्ट ईयर में एलैन के ट्वेल्व किस चैप्टर में था वो सो देखें ये है साइन एल्फ़ा माइनस साइन बीटा ठीक है दोनों एंगल साइन के हैं लेकिन दरम्यान में माइनस है तो इसको हम फिर कैसे कन्वर्ट करते हैं टू काज ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा ओवर टू यानी ये दोनों एंगल्स जो हैं प्लस होते हैं और फिर टू पे डिवाइड होते हैं और फिर यही दोनों एंगल्स एक दफ़ा माइनस भी होते हैं और टू पे डिवाइड है लेकिन पहले कॉज है फिर साइन है टू काज ऑफ एल्फा प्लस बीटा ओवर टू एंड साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा ओवर टू तो ये कब है जब दोनों साइन के हैं एंगल्स हों और साथ जो है माइनस भी हो तो ये पहला फार्मूला है जो हमारे सवालों में यूज़ होना है फिर ज़ाहिर है ये बड़ा मशहूर फार्मूला है साइन एल्फ़ा कॉज बीटा माइनस काज एल्फ़ा साइन बीटा तो ये किसके इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ठीक है ये जो दोनों अल्फ़ा बीटा हैं किसके होते हैं साइन के क्योंकि असल में इसमें कन्वर्ट हो रहा होता है एक दफ़ा साइन है एक दफ़ा कॉज है फिर काज़ है साइन है जब दोनों दोनों काज और दोनों दोनों साइन होना तो फिर काज का फार्मूला होता है ये पीछे है हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं फिर जैसे ये पहला फार्मूला था उसी तरह से अब ये जो थर्ड वाला फार्मूला है ये भी उसी के बेस पे है क्योंकि ये दोनों साइन वाला था अब ये दोनों कॉज वाला है कि दोनों में कॉज आ रहा हो तो फिर फार्मूला क्या लगाना है तो उसमें माइनस टू से स्टार्ट लेते हैं उसमें प्लस टू था तो माइनस टू साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा ओवर टू एंड देन साइन ऑफ़ एल्फा माइनस बीटा ओवर टू पहली बात के दोनों साइन आएंगे और दूसरा वही कि पहले प्लस हो के टू पे डिवाइड फिर माइनस हो के टू पे डिवाइड इधर भी यही हुआ प्लस हो के टू पे और माइनस हो के टू पे डिवाइड तो ये कॉज़ वाला फार्मूला बनता है कॉज वाले में माइनस आता है शुरू में उन वाले में ज़ाहिर माइनस नहीं आता तो ये दो तीन वो पुराने फार्मूले हैं अब डेरिवेटिव जो हैं ऐसे जो हमने 2.4 एक्सरसाइज की थी तो उसमें कुछ डेरिवेटिव्स थे तो अब कुछ और डेरीवेटिव हैं हमारे पास लेकिन अब ये एंगल्स वाले हैं साइन कॉज टेन वाले हैं वो वाले फार्मूले यहाँ पे यूज़ होने हैं तो एक डेरीवेटिव अगर हम सीकेंट ऑफ एल्फा एल्फा कोई एंगल है थीटा हो सकता है यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं डी ओवर डी थीटा ऑफ सीकेंट थीटा ठीक है तो उसका सीकेंड का फार्मूला क्या होता है सीकेंड अल्फ़ा एंड टैन अल्फा यानी कि इसको थीटा के अगर फॉर्म में लिखेंगे तो सीकेंड थीटा एंड टैन थीटा यानी इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो एक दफा वो खुद आता है और साथ उसके टैन भी आता है तो पहला फार्मूला तो हमारा ये है फिर अगर टैन का ही फार्मूला आप आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो फिर टैन का डेरिवेटिव जो है वो सीकेंड स्केयर थीटा होता है ये याद रखना है हमें टेन का डेरिवेटिव क्या है सिकेंड स्केयर थीटा फिर इसी तरह साइन थीटा जो है उसका डेरिवेटिव कॉज होता है साइन का डेरिवेटिव कॉज है और कॉज का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन थीग है ठीक है कॉज का माइनस साइन ये हमें याद रखना है फिर अगर कॉट थीटा हो और उसका डेरिवेटिव लेना हो तो वो माइनस कोसिक्स स्केयर थीटा के बराबर होता है फिर ये डेरिवेटिव करते करते एक ये फार्मूला भी आना है ये भी फर्स्ट ईयर का फार्मूला है टेन थीटा वन माइनस थीटा टू के दो एंगल्स हैं माइनस हो रहे हैं और उसका टेन ले रहे हों तो उन दोनों का एंगल्स का टेन लिया जाता है टैन थीटा वन एंड टेन थीटा टू और अगर यहाँ माइनस है तो फिर ऊपर भी माइनस ही आता है प्लस हो तो फिर प्लस आ जाता है और नीचे वन प्लस वन एक अलहदा से और फिर जो दोनों के टेन हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं मल्टीप्लाई की शक्ल में आते हैं टेन थीटा वन एंड टेन थीटा टू तो ये फार्मूला भी हमें आना चाहिए ये सवाल में यूज़ होना है फिर कुछ इन्वर्स वाले फार्मूले हैं इन्वर्स वालों का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है मसलन कॉज इन्वर्स थीटा हो तो उसका जो डेरिवेटिव होता है माइनस वन ऊपर लिख के ओवर में वन माइनस थीटा का स्केयर यानी यहाँ जो भी एंगल होगा उस एंगल का स्केयर लेंगे और फिर सारे इस सारे का अंडर रूट भी आता है तो ये अगेन इसको हमें याद करना है कॉट इन्वर्स थीटा होगा तो वो माइनस वन ओवर वन प्लस थीटा स्केयर इसमें अंडर रूट नहीं आता टेन और काट हो तो अंडर रूट नहीं आता साइन काज में अंडर रूट आता है ये हमें याद रखना है इसी तरह देखें साइन इनवर्स थीटा है तो वो वही आएगा वन ओवर वन माइनस थीटा स्केयर जैसे कॉज में आया था वन ओवर वन माइनस थीटा स्केयर लेकिन कॉज वाले में यहाँ माइनस था अगर साइन वाला आ जाएगा तो माइनस नहीं आता प्लस आता है इसी तरह जो टेन इनवर्स थीटा है वो वन ओवर वन प्लस थीटा स्केयर है टेन और काट ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होते हैं काट वाले में देखें माइनस आया बाकी सारा वही है टेन वाले में माइनस नहीं आता टेन इनवर्स में वन ओवर वन प्लस थीटा स्केयर प्लस लिखेंगे और एक लास्ट फार्मूला सीकेंट इनवर्स का ये भी सवाल के अंदर यूज होना है तो फिर हम इसमें क्या करते हैं वन ओवर थीटा करके रूट के साथ थीटा स्केयर माइनस वन ये हम लिखते हैं अब वही बात है कि ये फार्मूले हमने अभी ज़ुबानी ज़ुबानी पढ़े हैं थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी आपको जब आप सवाल करेंगे और सवाल में ये चीज़ें अप्लाई होंगी तो फिर आपको ज़ाहिर है बेहतर समझ आएगी चलें जी अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे 2.5 है पहला जो क्वेश्चन है डिफरेंट different है डिफरेंशिएट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ये एक फार्मूला है एक एक तो हम देखें डेरिवेटिव लेते हैं 2. पॉइंट मैंने 3 करवाई 4 करवाई उसमें सीधे सीधे डेरिवेटिव्स हैं ठीक है एक ये है कि डेरिवेटिव बनता कैसे है किस रूल के थ्रू जो है वो डेरिवेटिव बनता है और वो किस फार्मूले के थ्रू चीजें होती हैं वो फिर ये ये वाले सवाल है जिसको वो कहता है फर्स्ट प्रिंसिपल अच्छा ये आसान है मुश्किल नहीं है देखिए जरा कर, करते किस तरह से हैं पहला क्वेश्चन है साइन टू एक्स अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है डेरिवेटिव लेना है विद दी हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे करते हैं पहला स्टेप ये होता है कि हमने उसको y लेट कर लेना है ज़ाहिर एक नाम रख लेते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ टू एक्स फिर क्या करते हैं हम ये कहते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा ना इंक्रीज करें क्योंकि वेरिएबल देखें दो है हमारे पास क्योंकि ये देखें पहला सवाल है ना तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा बाकी आपको ज़ाहिर है वो फिर एक रूटीन बन जाएगी हमें क्या करना होता है कि ये जो वाई और एक्स वेरिएबल्स हैं इनमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करवाया जाता है इनको बढ़ाया जाता है तो वो जो थोड़ा सा इंक्रीज़ होना है ना उसको हम डेल्टा से शो कराते हैं मसलन वाई में हम लिखते हैं डेल्टा वाई डेल्टा जाहिर है ये एस लिख के ना ऐसे करके ऐसे करके ऐसा लागे ना तो नीचे से हम इसको जोड़ देते हैं ठीक है तो इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा ठीक है तो y में हमने डेल्टा y का इजाफा करना है और इसी तरह से जहाँ पे x पड़ा हुआ है इस तरफ दूसरी साइड पे वहाँ पे x के साथ डेल्टा x का इजाफा कर देते हैं यानी जहाँ x है वहाँ x प्लस डेल्टा x लिख लें जहाँ y है वहाँ y प्लस डेल्टा वाई बस ये काम करना है अब इसके बाद इसको हल करना होता है हल करने में ये है कि आपने हमेशा वाई को उस साइड पर ले जाना है ठीक है इधर सिर्फ डेल्टा वाई रहना चाहिए वो जो स्मॉलेस्ट इंक्रीज हुआ है उसके अंदर वाई में वो हमारा डेल्टा वाई इधर रहेगा वाई ज़ाहिर उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा अब y की वैल्यू है हमारे पास साइन ऑफ़ टू एक्स तो अगले स्टेप में हमने y की जगह पे साइन ऑफ टू एक्स लिख देना है अब हमने यहाँ गौर करना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है वो जो मैंने अभी आपको फार्मूले बताए तो जो पहला फार्मूला था साइन ऑफ एल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा एक चीज़ रह गई कि ये जो टू था ना इससे आप मल्टीप्लाई करवा दें टू एक्स और टू डेल्टा एक्स ऐसे करके लिख लें अब इस पे फार्मूला लगेगा साइन ऑफ एल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा तो वो क्या फार्मूला था पहला फार्मूला जो मैंने लिखवाया आपको टू काज ऑफ एल्फा प्लस बीटा ओवर टू एंड साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा ओवर टू देखें यहाँ माइनस कराया जा रहा है यहाँ पे प्लस कराया जा रहा है हमारा एल्फा जो है ये बड़ा एंगल है टू एक्स प्लस टू डेल्टा एक्स तो देखें वो लिख के साथ ये वाला हमने एंगल उसमें प्लस किया है टू पर डिवाइड यहाँ पे देखें माइनस करवाया ठीक है ऐसे करके लिख लिया अब देखें ये 2x और 2x जाहिर है 4x हो जाएंगे साथ ये 2 डेल्टा एक्स है ओवर में 2 है यहां पे ये माइनस टू और 2x कट जाएंगे ठीक है तो सिर्फ रह गया 2 डेल्टा एक्स ओवर 2 और ये 2 2 भी ज़ाहिर कट सकते हैं तो सिर्फ डेल्टा एक्स रह जाएगा सही हो गया तो यहां पे पहुंच गए हम अब यहाँ ये यह जो ओवर में टू है ये इनको फिर डिवाइड कर सकता है टू टू जार फोर और टू वन जार टू तो अल्टीमेट यहां पे आपने रीच हो जाना है पहुंच जाना है अब देखें यहां पे हम क्या करते हैं हम ये कहते हैं कि जो इस साइड पे इस साइड पे क्या चीज़ आ रही थी डेल्टा वाई ठीक है हम ये कहते हैं कि दोनों साइडों को डिवाइड करवाएं डेल्टा एक्स से असल में हम ये उसकी शक्ल बनाने लगे हैं डेरिवेटिव वाली डी वाई ओवर डी एक्स तो डी जो है वो वो भी चेंज होती है वाई में कितनी तब्दीली आई है तो ये भी एक किस्म की वाई में चेंज है तो इसके नीचे अब ये चेंज ऑफ एक्स लेने लगे हैं डेल्टा एक्स तो हम कहते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स तो देखें इधर भी डेल्टा एक्स ओवर में आ गया और देखें इस साइड पे भी अब ये देखें यहां क्यों लिखा है क्योंकि देखें ये सारी चीज ना आपस में मल्टीप्लाई हो रही है टू है कॉज ऑफ़ ये वाला एंगल है तो ये एक पूरी चीज़ है साथ ये साइन ऑफ डेल्टा एक्स है ये एक चीज़ है लेकिन ये तीनों चीज़ें आपस में ज़रब हो रही हैं तो मल्टीप्लीकेशन में कोई भी चीज़ आपने लिखनी है ना तो जहाँ मर्जी लिख दें इधर इसके नीचे लिख दें इसके नीचे इसके यहाँ हमें ज़रूरत है क्यों ज़रूरत है वो मैं अभी आगे, आगे बताता हूँ आपको साइन ऑफ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स अब क्या करेंगे टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ लिमिट लेनी है ठीक है अब यह देखें इसको गौर करना है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बना हुआ है ना तो उसके साथ लिमिट को लिखते हैं लिमिट कैसे लिखते हैं एल आई एम ये पहले चैप्टर में हमने पढ़ी है लिमिट और जाहिर है जो चीज़ डिवाइड करा आ रही है ना उसको हमने टेंड्स टू ज़ीरो रखना है डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो ठीक है कि जीरो की तरफ वो जा रहा है और साथ ही ये है जाहिर है फिर वो जो जो लिमिट आपने उधर लगाई है तो इक्वल टू के उस साइड में भी तो लगानी है तो उधर भी आप वो लिमिट लिखते हैं अब ये जो चीज़ है ना कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की डेरिवेटिव बनता ही इसी तरह से है ठीक है तो जब भी ये चीज़ बन जाए ना तो उसको फिर आपने अगले स्टेप में डेरिवेटिव की शक्ल दे देनी है डी वाई ओवर डी एक्स लिख देना है अब इस तरफ जो है वो लिमिट को अप्लाई कराएंगे अब देखें अगर हमने वो लिमिट वाले चैप्टर पढ़े हुए हैं तो लिमिट में हमने ये पढ़ा था कि साइन के साथ जो एंगल हो वही एंगल उसके ओवर में हो तो साथ उसकी लिमिट ले रहे हो तो वो वन हो जाती है लिमिट तो इस सारे की जगह फिर हमने वन लिख देना है ठीक है और यहाँ जब आप लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स जीरो के इक्वल है ना तो यहाँ डेल्टा एक्स की जगह आप ज़ीरो लगाएं तो रह जाएगा टू काज ऑफ टू एक्स तो देखें टू काज ऑफ टू एक्स साथ जीरो और उसका वन हो गया और जाहिर है कि ये चूंकि जीरो है वन तो मल्टीप्लाई करें कुछ नहीं होता तो अल्टीमेट यही आंसर रहेगा हमारा टू काज ऑफ टू एक्स तो इस तरह से करके हमने ये क्वेश्चन को हल करना है अब बाकी क्वेश्चंस डेफिनेटली इसी पैटर्न पे होने हैं तो ज़्यादा मुझे अब एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा अगर आपने ये पहला सवाल समझ लिया है सेकंड पार्ट देखें टेन थ्री एक्स है उसी तरह से पहले तो उसका नाम रखें ना कि वाई वाई इज इक्वल टू दिस वन फिर वही कहा मैंने जैसे कि जी इधर भी डेल्टा वाई लगाएं और इधर एक्स के साथ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लगा लें जैसे हमने पीछे किया और वही कि ये स्टेप क्या होता है वाई को उठाना है उस साइड पर ले जाना है माइनस हो जाएगा और फिर वाई की वैल्यू लगाते हैं वाई किसके इक्वल है टेन थ्री एक्स तो वाई की जगह टैन थ्री एक्स तो क्योंकि इतना काम हर सवाल में होना है ये जितने भी फर्स्ट प्रिंसिपल वाले सवाल हैं सब में ये काम तो होना ही होना है अब इस पे ज़रा गौर करेंगे कि हम इसको फर्दर कैसे हल कर सकते हैं ये टेन ऑफ ये चीज़ है और ये भी टेन है तो टेन आपको पता है उसको हम साइन ओवर कॉज की शक्ल में लिख सकते हैं बटे में लिखा जा सकता है तो देखें इधर भी साइन ऑफ ये एंगल ओवर कॉज साइन ऑफ ये एंगल ओवर कॉज तो ऐसे साइन ओवर कॉज साइन ओवर कॉज लिखते हैं अब जाहिर है कि ये ओवर है और बीच में माइनस प्लस माइनस आ रहा है तो फिर ये वो बनेगा ना फार्मूला वो क्या उसको कहते हैं एलसीएम एलसीयम जुआफिकल लेना एलसीएम लेना वो चीज़ करेंगे तो कॉज ऑफ ये सारा और कॉज ऑफ ये सारा ये दोनों ने एलसीएम में आ जाना है और इस तरह की चीज़ हो कि वो दोनों ही एलसीएम हो तो ये ऐसे क्रॉस हो रही होती है मल्टीप्लाई कॉज ऑफ़ थ्री एक्स ने इसके पास चले जाना है कॉज ऑफ ये वाला जो है वो उसने इसके पास चले जाना है तो वो ये देखें हमने ऐसे करके लिख दिया है. अब इस पर गौर करें जो मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे साइन ऑफ़ एल्फ़ा कॉज ऑफ़ बीटा कॉज ऑफ एल्फ़ा साइन ऑफ बीटा तो ये किसके इक्वल था साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा ये मैंने आपको फार्मूला लिखाया है ठीक है साइन कॉज कॉज साइन हो तो साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है सो ये हमारा एल्फा माइनस ये बीटा और नीचे वाली चीज़ वैसे के वैसे अब ऊपर देखें ये थ्री एक्स और ये थ्री एक्स कट जाएगा थ्री डेल्टा एक्स रह जाएगा तो साइन ऑफ थ्री डेल्टा एक्स उसको रखें जरा साइड पे ठीक है और ये जो ओवर में सारी चीज़ है उसको भी जरा लहदा कर लें ठीक है सेपरेट कर ले अब उसको ले आए वो जो डेल्टा एक्स को लाना होता है डिवाइडिंग बोथ साइड्स इस जगह पे आप वो लाइन लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स सो देखे मैंने इधर भी डेल्टा एक्स लिख दिया और इधर भी हमने डेल्टा एक्स लिख लिया लेकिन सिर्फ डेल्टा एक्स से काम नहीं चलना हमारे पास साइन के साथ क्या चीज़ है थ्री एक्स अभी पीछे पड़ा ना कि साइन के साथ जो एंगल हो वही एंगल नीचे होना चाहिए तो थ्री डेल्टा एक्स था तो यहाँ डेल्टा एक्स के साथ थ्री हमने खुद से लगाना है तो ये थ्री चूंकि खुद से ओवर में आया है तो इसके फिर वो जो उल्ट होता है कि थ्री आप ऊपर लिखें वो लिखेंगे यहाँ पे ठीक है अब आप लिमिट ले सकते हैं ताकि आप आंसर दे सकें तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स तो लिमिट इधर भी लिखें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट इधर भी लिख दें अब आपको पता है कि ये चीज़ ने लिमिट वन हो जाना है क्योंकि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल उसका नीचे है तो ये तो वन हो जाएगा इधर आ जाए जहां पे डेल्टा एक्स है इधर उसकी जगह जीरो लगा दें तो इसकी जगह ज़ीरो आएगा ये सारा खत्म हो जाएगा कॉज थ्री एक्स और ये भी कॉज थ्री एक्स तो देखें ओवर में दोनों काज ऑफ थ्री एक्स आ जाएंगे और चूंकि दोनों कॉज ऑफ थ्री एक्स हैं तो कॉज केयर थ्री एक्स हो जाएगा डबल है ना और चूंकि ओवर में है तो काज का उल्ट क्या होता है सीकेंट तो इसको सीधा करेंगे तो ये सीकेंड बन जाएगा थ्री सीकेंड स्केयर थ्री एक्स तो ये है अल्टीमेट इसका आंसर तीसरा पार्ट देखते हैं साइन ऑफ टू एक्स प्लस काज ऑफ टू एक्स दो रकमें आ गई हैं साइन ऑफ टू एक्स भी आ गया cos ऑफ टू एक्स भी आ गया तो ये इसको यही समझ लें कि ये दो सवाल हो गए हैं इकट्ठे और जाहिर है कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेंथ ही थोड़ा सा हो जाएगा लेकिन प्रोसेस वही है सारा तो पहले तो वही बात इसको वाई लैड करना है वाई लिख लिया फिर वाई के साथ वही डेल्टा वाई इधर एक्स आ रहा है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स है एक्स प्लस डेल्टा एक्स फिर उसी तरह y को उठाएं उस साइड पे ले आए y ने जब उठ के इधर आना है तो y की जो रकम है साइन 2x एक्स कॉज टू, एकस, कॉस टू एकस, वो दोनों ही आनी है ना और चूंकि इधर आ रहे हैं तो वो माइनस हो जाते हैं जैसे माइनस वाई लिखते हैं तो इन दोनों को माइनस में लिख लें अब देखें ये जो चीज़ बननी है ये चार रकमें है ना आपके पास तो इसमें देखें दो दो के जोड़े बनते हैं साइन ऑफ ये जो एंगल है उसके साथ इस साइन को लें ठीक है उन दोनों को आप अलहदा लिख लें काज़ के साथ ये एंगल है साथ काज के साथ ये एंगल है दोनों काज अलहदा कर दें दोनों साइन अलहदा दोनों काज अलहदा और दोनों साइन के और दोनों काज़ के अगेन मैंने फार्मूले लिखवाए आपको शुरू में तो वो दोनों फार्मूले हमारे लगेंगे ये जो दोनों साइन होते हैं तो उसमें क्या होता है टू काज ऑफ एल्फा प्लस बीटा ओवर टू एंड साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा ओवर टू और जब दोनों काज होते हैं तो उसमें माइनस साइन भी आता है ये मैंने फार्मूला पढ़ाते हुए बताया था माइनस टू साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा ओवर टू एंड साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा ओवर टू बहरहाल फार्मूलों को सामने रखा करें फार्मूले लिख लिए याद कर लिए सामने रखे और उसको देख देख के सवाल करते जाएं जब ये लिख लिया है तो इसको जाहिर है थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करवाना है ना 2x एक्स और टू एक्स फोर एक्स हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स हो गया ओवर में 2 आ गया इधर फिर वही 2x 2x टू, एक्स टू एक्स कटना है और ये 2 2 भी कट के खाली डेल्टा एक्स ही रह जाना है अब मैंने नहीं कटवाया और ये इन दोनों के साथ भी वही प्रोसेस होना है ठीक है अगले स्टेप में आप ये टू से कटवा दें इनको टू से इसको कटवाएं तो फिर ये अल्टीमेट ये बन जाएगा क्योंकि ये तकरीबन इसी तरह की चीज़ पिछले सवालों में की है ठीक है अब क्या है कि इन दोनों को ज़रा गौर करें एक तो देखें टू जो है वो दोनों रकमों के अंदर है तो वो टू कामन लिया जा सकता है और ये जो साइन ऑफ डेल्टा एक्स है इधर भी है साइन ऑफ डेल्टा एक्स इधर भी है तो साइन ऑफ डेल्टा एक्स कॉमन हो सकता है तो बाकी ये काज ऑफ टू एक्स डेल्टा एक्स रह गया और इधर से साइन टू एक्स डेल्टा एक्स रह गया इसको लिख लें अब जितना ज़ाहिर है सिंप्लीफाई हो सकता था वो हमने कर दिया है अब हम ज़ाहिर है दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा लेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स तो इधर भी ओवर में आ गया डेल्टा एक्स और इधर ये जो हमने कामन लिया हुआ है उसी के साथ आप डेल्टा एक्स ओवर में लिख दें उसके और साथ वो जो रकम है उसको वैसे का वैसा ही लिख दें अब ज़ाहिर है जब ओवर में लिख लिया है तो फिर हमें टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स कर लेना चाहिए तो दोनों तरफ हम लिमिट ले लेंगे ठीक है जी इधर भी लिमिट इधर भी लिमिट और ये चीज़ क्या हो जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स देखें ना चीज़ें रिपीट होती हैं बार बार वही काम हो रहा है अब ये फिर साइन एंगल और साथ वही एंगल नीचे तो इसने वन हो जाना है ना साथ ये टू है और इधर भी वही ये जो डेल्टा एक्सेज हैं इन्होंने ज़ीरो हो जाना है तो काज ऑफ टू एक्स माइनस साइन ऑफ टू एक्स वो दोनों आ जाएंगे हमारे पास बाहर में ये टू आ जाएगा तो ये हमारा आंसर फोर पार्ट देखते हैं बिल्कुल उसी तरह से है कॉज एक्स का स्केयर है पहला काम वही वाई लेट करें उसे फिर दोनों तरफ वाई के साथ डेल्टा वाई एक्स के साथ डेल्टा एक्स ठीक है वैसे उसी पैटर्न पे रहना है अगर ये स्केयर है तो स्केयर की शक्ल बननी चाहिए फिर वाई जाएगा उधर जाहिर है माइनस हो जाएगा और y की फिर वैल्यू लगाएंगे यहां तक तो हम पहुंच गए हर दफ़ा यहां तक आना होता है अब अगेन इसको गौर कर ले इस पर फार्मूला बन रहा है कॉज ऑफ़ एल्फा माइनस कॉज ऑफ़ बीटा ये वो फार्मूला जिसमें दोनों काज आते हैं तो दोनों काज वाले में मैंने बार बार कहा कि माइनस टू आता है शुरू में फिर साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा ओवर टू एंड साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा ओवर टू एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस ऐसे करके लिख दें लेकिन यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने की खोलने की फार्मूले को जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस हो रहा है ना तो या तो कोई चीज़ कट रही होती तो इसको हम एक्सपेंड भी करवाएं जैसे यहाँ माइनस है ना तो इसको खोलने का फायदा होगा तो यहाँ इसका फार्मूला एक्सपेंड कराएं ए की दो बी की दो दो ए बी वाला फार्मूला ना तो वो फार्मूला इस पर लगाएंगे इसको नहीं छेड़ेंगे प्लस वाले को ये देखें अगले स्टेप में सो ये देखें इसको हमने वैसे का वैसे रखा हुआ है ठीक है नीचे भी अगले स्टेप में भी वैसे ही लेकिन यहां देखें इसका फार्मूला ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी ठीक है ना टू एक्स डी डेल्टा एक्स साथ में ये एक्स स्केयर और ज़ाहिर यहां यही फायदा होगा कि इन दोनों ने कटना है तो ये डेल्टा एक्स का स्केयर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स ओवर टू ये हमारे पास आ गया अब वही बात डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स वो हमें करना चाहिए तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इधर आ गया अब अगेन ये सारी एक ही रकम है तो आप बजाय इधर रखने के डेल्टा एक्स को हम लाएंगे इधर साइन वाले के पास लेके जाते हैं और यहाँ पर भी देखें इधर भी डेल्टा डेल्टाक्स का स्केयर है इधर हाल डेल्टा एक्स है तो वो जो ओवर में डेल्टा एक्स हमारा आना है ना उसने इन दोनों को कटवाना है तो ये डेल्टा डेल्टाक्स का स्केयर जो है हाल डेल्टा डेल्टाक्स रह जाएगा और इसने कट जाना है और इसका हाल जो अपना टू एक्स है वो रह जाएगा ओवर में टू तो ये हम इसको लिख लेंगे अब जाहिर है कि अब लिमिट की तरफ जाना है लेकिन लिमिट लगाने के लिए ये जो साइन वाली चीज़ है वो बेचारी अभी ओवर में ये चीज़ नहीं बन रही हमने कहा ना कि साइन के साथ जो एंगल होता है वही एंगल उसके ओवर में होना चाहिए अब हाँ वो नहीं है पहले ये बना लें तो देखें अगले स्टेप में हमने इसको सारे को वैसे ही लिखा है और यहाँ ये यह जो साइन ऑफ डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स ओवर टू है ना इसके साथ देखें इसी चीज़ को हमने नीचे भी लिखा है ठीक है और जाहिर है मैथ में रूल है कि जो काम आप खुद से करते हैं तो उसका उल्ट भी होना चाहिए तो ये देखें टू ऊपर लिख के और इन दोनों को नीचे लिख लिया ताकि उसकी कंपनसेशन हो सके अब हम जब लिमिट लेंगे ना तो जाहिर है कि ये लिमिट लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो इधर भी लिखेंगे सारी रकम वैसे के वैसे अब ये देखें ये सारा इसने वन हो जाना है लेकिन ये तो है एक्स्ट्रा तो ये रहेगा तो इसको आप साथ लिख लें और वैसे भी जब लिमिट लगनी है तो डेल्टा एक्स तो ज़ीरो हो जाना है तो जरा सिर्फ ये रह जाएगा टू ओवर टू एक्स लेकिन ये भी गौर करना है कि ये ओवर के नीचे ओवर है असल रकम तो ये ऊपर है ना तो उसके ओवर में ये चीज़ आ रही है और उसका अपना भी ओवर बन रहा है तो ये फिर जाहिर है अगले स्टेप में हमने उल्टाना है इसको तो वन इस ये सारा तो वन हो गया और ये टू ओवर टू एक्स टू ओवर टू एक्स ऐसे करके मैं भी नज़र ना आ रहा हो अब नज़र आ रहा होगा टू ओवर टू एक्स हो गया और ये ऐसा ही क्योंकि इसका जो तो डेल्टा एक्स है इसमें जीरो होना है तो ये एक्स रह जाएगा एक्स का स्केयर और साथ ये भी एक्स का स्केयर तो एक्स स्केयर एक्स केयर ओवर टू और एक्स केयर एक्स केयर टू एक्स केयर हो गया टू टू कट जाएगा इससे तो हाल ही एक्स केयर आ जाएगा इसके पास और इसका भी ये टू टू कट जाना है एक्स ने ऊपर चले जाना है तो माइनस टू के साथ ये वाला एक्स आ जाएगा और साथ ये साइन एक्स स्केयर आ जाएगा क्योंकि इसका भी टू टू कट जाना है जब इन दोनों ने एड होना है टू एक्स स् होगा तो टू टू कट जाएगा तो अल्टीमेट फिर आंसर ये बनता है तो ये है इसका आंसर पांचवा पार्ट देखें टेन स्केयर एक्स है उसी पैटर्न पे हम चलेंगे पहले हमने इसको बायलेट करना है वाई के साथ डेल्टा वाई एक्स के साथ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई को उठाए उस साइड पे ले जाएं और वाई की वैल्यू जाहिर लगा दें माइनस हो जाएगा अब अब गौर करें ज़रा ये है टेन स्केयर एल्फा और टैन स्केयर बीटा तो ये अगर आपको याद होती तो वो फार्मूला नहीं बन रहा ए स्केयर माइनस बी स्केयर ठीक है ना तो ये स्केयर्स हो और माइनस हो तो इनको हम एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख सकते होते हैं तो हम यही काम करेंगे टेन ऑफ ये अल्फ, जिस जितना भी एंगल है ये माइनस टेन ऑफ ये वाला ठीक है एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव ठीक है ना ए माइनस बी और ए प्लस बी करते हैं ना तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी की है अब ये जो प्लस वाला है इसको अगेन हमने छेड़ना नहीं है इसको वैसा ही साथ साथ लेते जाएंगे और ये जो नेगेटिव वाला है पार्ट इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई करने की क्योंकि यहाँ से फिर वो साइन वगैरह निकल आएगा तो अगेन कि टेन है तो साइन ओवर क्रॉस करें इसको भी टेन को साइन ओवर क्रॉस करें तो फिर वही एल्शियम पिछले जो एक सवाल किया बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही तो एल्शियम लेंगे तो इस तरह से शेप बनेगी फिर वही कि ये जो ऊपर फार्मूला बन रहा है ये वाला कॉज ऑफ एल्फा साइन ऑफ बीटा एंड साइन ऑफ एल्फा कॉज ऑफ़ बीटा तो साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा बनता है ये ठीक है तो फिर ज़ाहिर है कि ये साइन ऑफ ये और नीचे वाली टर्म वैसे के वैसे ही आती जाएगी साथ अब यहां से एक्स और एक्स कट जाएगा ऊपर हमारे पास आ गया साइन ऑफ़ डेल्टा एक्स ठीक है वो हमने लिख लेना है साथ ये अमाउंट लिखनी है वो लिख ली लेकिन वो जो साइड पे चीज़ छोड़ी हुई थी टैन वाली उसको भी साथ हमें शो कराना है तो यहाँ तक पहुँच गए साइन भी हमारा, हमारा देखें लदा हो गया अब वही कि जी इस साइड पे हमारा डेल्टा वाई है तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x और फिर ज़्यादा लिमिट भी लेनी है सो so, ये देखें इधर भी हमने लिमिट लिख ली इधर भी लिमिट लिख ली और फिर वही कि ये सारा तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा ये साइन वाला फार्मूला बन रहा है इसने वन हो जाना है और ये वही टैन की चीज़ें हैं ऊपर तो डेल्टा एक्स को करें ना जीरो क्योंकि वो डेल्टा एक्स लिमिट जीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा टेन एक्स और ये भी टेन एक्स ठीक है ये दोनों लेकिन ये प्लस हो रहे हैं ठीक है और नीचे जो है कॉज ऑफ एक्स और यहाँ से भी डेल्टा एक्स जीरो हो जाना है तो ये भी कॉज ऑफ एक्स तो नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो कॉज स्केयर हो जाएगा ऊपर चूके टेन जमा हो रहे हैं तो टू टैन हो जाएगा और एक स्टेप और कर लें कि कॉज स्केयर ओवर में है इसको सीधा कर लें तो सिकेंड स्केयर हो जाएगा ये है इसका आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टैन ऑफ एक्स और उसके ऊपर अंडर रूट है तो पहला काम वही वाई इज इक्वल टू दिस वन फिर वाई की जगह वाई प्लस डेल्टा वाई इधर एक्स है एक्स के साथ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ठीक हो गया फिर y को उठा के उधर लेके जाना है y किसके इक्वल है टेन ऑफ एक्स अंडर रूट के तो टेन ऑफ एक्स अंडर रूट उधर गया और साथ ज़ाहिर है माइनस क्योंकि उधर जाके माइनस होना है अब इसको ज़ाहिर हल करना है अब यहाँ देखें हल करने का जो प्रोसीजर है ना वो है देखें अंडर रूट्स आ रहे हैं अंडर रूट्स में अंडर रूट्स को ख़त्म कराना होता है तो इसके लिए वो जो प्रोसेस है ना रैशनलाइजेशन का वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि ये दो में हैं ना उनमें देखें साइन कौन सा है नेगेटिव है ना तो आपने यही दो रकमें ऊपर भी लिखनी होती हैं नीचे भी लिखनी होती हैं लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो फिर आपने यहाँ यहाँ प्लस लेना होता है ठीक हो गया अब हम इसे हल करेंगे देखें ऊपर वाली अमाउंट ने ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई होना है और देखें एक में नेगेटिव है और एक में पॉजिटिव है रकमें एक जैसी हैं तो ये वो फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो फार्मूला क्या बनता है a का स्केयर माइनस बी का स्केयर तो हमने फिर जाहिर है कि उनको स्केयर की शक्ल में लिख लेना है ये देखें ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर और नीचे वाली अमाउंट जो है दूसरी वो वैसे के वैसे ही आ गई अब चूँकि स्केयर्स आ गए हैं तो हमारा मकसद पूरा हो गया स्केयर अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो अंदर वाली टेन ऑफ जो चीज़ें रह गई हैं वो लिख लेंगे बाकी ये जो ओवर वाला रूट वाली चीज़ है उसको हम सेपरेट अलीहदा करके लिख देंगे अब देखें ये जो चीज़ है अभी हैं तो ये tan की फॉर्म में ही ना तो tan को आपको पता है पीछे भी हमने किया साइन ओवर cos की शक्ल में लिख सकते हैं तो ये भी साइन ओवर cos ये वाला भी साइन ओवर cos इस वाले को हमने साइड पे साथ साथ लेते आना है इस पे आपको पता है फिर फार्मूला बनेगा ये दोनों चीज़ें एलसीएम में आएंगी और ये cos इसके पास और ये इसके पास ये तीसरी दफ़ा हम ये इस चीज़ को कर रहे हैं पिछले सवालों में भी किया था दो दफ़ा तो फिर ये वही फार्मूला है साइन ऑफ एल्फा कॉज ऑफ बीटा कॉज ऑफ एल्फा साइन ऑफ बीटा तो फिर ये साइन का फार्मूला होता है साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा ठीक है नीचे वाली अमाउंट वैसे के वैसे ही अब फिर वही बात के माइनस एक्स और ये प्लस एक्स दोनों कट जाएंगे तो रह जाएगा साइन ऑफ डेल्टा एक्स जो है वो रह गया ठीक है साथ में ओवर में यही चीज़ और फिर वो जो साथ आ रहा था टेन वाला उसको भी साथ जो है वो शो करा लें ठीक है आपने साथ साथ लिखते आना है इसको अब के फर्दर हल नहीं होता तो वही बात के डेल्टा एक्स से डिवाइड भी करवा लें और लिमिट को भी दोनों तरफ इंट्रोड्यूस करवाएं तो देखें लिमिट को भी लिख दिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स भी आना है इधर भी ओवर में डेल्टा एक्स आ गया साथ लिमिट आ गई बाकी सारी अमाउंट वैसे के वैसे ही आ गई अब क्या होगा इसने डी ओवर डी एक्स हो जाना है इसने वन हो जाना है यहाँ से भी डेल्टा एक्स खत्म हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स यहाँ से भी खत्म होगा टेन ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स लेकिन यहाँ पे अंडर रूट्स हैं तो ये सारा काम जो है वो अगले स्टेप में हमने देखें ये कर दिया सही है जी ये ज़रा हाँ अब नजर आएगा लिख दिया डेल्टा एक्स सारे निकल गए तो ये चूंकि दो दफ़ा कॉज ऑफ एक्स है तो स्केयर हो जाएगा ये भी दो दफ़ा लेकिन ये प्लस हो रहे हैं तो ये टू टाइम्स होना है टेन ने ठीक है और कॉज स्केयर जाहिर है सीकेंट स्केयर हो जाता है बाकी सारा वैसे लिख दें टू और ये टेन अंडर रूट वो सारा लिख दें तो ये है हमारा इस वाले पार्ट का आंसर ओके अब आ जाए सेवन वाले पार्ट पे सेवन वाले पार्ट में है कॉज एक्स का अंडर रूट सो so, उसी तरह से y इज इक्वल टू दिस वन y की जगह y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x y उधर ले गए माइनस का हो गया y की वैल्यू पुट करा दी अब यहाँ देखें फिर फार्मूला बन रहा है कॉज ऑफ एल्फा माइनस कॉज ऑफ बीटा तो वो दोनों काज वाले फार्मूले में माइनस होता है माइनस टू इंटू साइन ऑफ दोनों को प्लस करके टू पर डिवाइड माइनस करा के टू पर डिवाइड जो प्रोसीजर है माइनस वा अब देखें ये कट नहीं सकते ठीक है ना क्योंकि ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और ये हाल ही एक्स है तो इसका कुछ और हमें जो है वो करवाना पड़ेगा पहला काम तो ये है कि डेल्टा एक्स को ले आए डिवाइड करवा लें दोनों साइडों पे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और इस तरफ पे भी डेल्टा एक्स देखें साथ लिख लिया जरा आगे करके लिख लेते हैं अच्छा अब यहां देखें फिर वही बात है एक तो ये मेरे से थोड़ा मिसिंग हो गया था कि इसके ओवर में टू है ठीक है ना ये जो चीज है इसके ओवर में टू भी है जैसे ये सारे के ओवर में टू है तो इधर हमने डेल्टा एक्स को भी साथ ले लिया अब वही बात है कि ये जो चीज है ना यही चीज उसके ओवर में भी होनी चाहिए तभी तो साइन पे लिमिट लग सकती है ना तो ये चीज ओवर में कैसे होगी अब ये है क्या वैसे एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अंडर रूट है माइनस एक्स का अंडर रूट है ठीक है अब देखें ओवर में हमारे पास क्या चीज़ है डेल्टा एक्स तो हम इसको यही चीज़ लिखेंगे लेकिन एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में ये देखें ज़रा गौर करिएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और साथ ही जो एक्स है वो हमने लिखा है लेकिन साथ एक दफ़ा उसको प्लस में लिखा है एक दफ़ा माइनस में लिखा है इस तरह से क्या होगा देखेंगे वो फार्मूला बन रहा है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ये बन जाता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर तो जब आप इनको स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे इस चीज़ को तो अंडर रूट कट जाएगा इसका भी अंडर रूट कट जाएगा तो हाल ही रह जाता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और साथ माइनस एक्स तो वो एक्स एक्स काट के अल्टीमेट डेल्टा एक्स ही रह जाता है तो जुबानी ये सारा बताने का मकसद ये है कि डेल्टा एक्स को इस शक्ल में लिखा जा सकता है ठीक है तो वो हमने ऐसे करके लिख देना है अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ लिमिट ले ली इधर भी लिमिट ले ली इस साइड में भी लिमिट को लिख लिया ठीक है ये ये अमाउंट जो आ रही थी ये सारी वो वैसे के वैसे ही आ रही है लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी थी कि ये जो चीज़ है वो हमने बना तो ली नीचे लेकिन ओवर में टू भी था तो हमें ओवर में टू भी चाहिए तो ये भी हमें खुद से लगाना है तो जो खुद से लगाया है टू उसका अपोजिट भी साथ लगाना पड़ेगा तो अब ये लिमिट प्रॉपर लग सकती है ठीक है अब वही बात जहां डेल्टा एक्स है उसको ज़ीरो करा दें तो साइन ऑफ ये एक्स का अंडर रूट साथ एक्स का अंडर रूट वो देखें ये लिख लिया साथ ही जाहिर है जो उसकी हैं और इस इसने और इसने ये दोनों ने मिल सब ने वन हो जाना है ठीक है लेकिन ये चीज़ रहेगी तो वन ओवर टू और साथ डेल्टा एक्स तो ख़त्म हो जाएगा ज़ीरो लिमिट लग रही है उसकी तो एक्स अंडर रूट और ये एक्स अंडर रूट वो दोनों आ जाएंगे अब यहाँ से देख लें क्या क्या चीज़ कटती है एक तो ये है कि ये दो दफ़ा एक्स का अंडर रूट है ना तो टू टाइम्स हो जाएगा ठीक है और ये टू टू फिर आपस में कट भी जाएंगे और एक और हमने क्या किया इस टू को इस टू से कटवा दिया और लेकिन फिर भी ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो फिर इन्होंने टू टाइम्स हो जाना एक और टू आ जाएगा तो बस इसको सीधा कर लें वन ओवर टू एक्स अंडर रूट वो लिख लें साथ माइनस साइन लिख लें और फिर ये जो साइन ऑफ एक्स अंडर रूट हाल ही आया वो लिख दें तो ये फिर हमारा डेरिवेटिव बनता है ले जी अब मुश्किल और अजीबोगरीब जो सवाल थे वो हमारे हो गए हैं ख़त्म अब प्रॉपर जो डरिवेटिव्स होते हैं उस पर हम आ जाएंगे अब ज़ाहिर है ये जस्ट फार्मूले ही हैं ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है सीधे सीधे सवाल हैं डेरिवेटिव का फार्मूला होता हो बड़े आराम से ये हो जाता है और पिछले हमने टू पॉइंट थ्री और फोर में किए भी हैं फार्मूले ठीक है अभी भी जो मैंने फार्मूले लिखवाए हैं उनके हिसाब से हम इसे कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू ये कह रहा है भाई डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू ज़ाहिर जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व तो जो वेरिएबल है जो थीटा लिखा होगा थीटा के लिहाज से एक्स है तो एक्स के लिहाज से सो so बहरहाल इसका डेरिवेटिव लेना है ओके okay, तो पहला काम तो वही है कि इसका नाम रखें वाइजिकल टू एक्स केयर सीकेंट फोर एक्स अब यहाँ दो रक में है एक एक्स केयर है और ये एक 4X 4X सीकेंट फोर एक्स है फोर एक्स उस सीकेंड का वो एंगल है ठीक है दो रकम रकमें तो आपको पता है कि दो रकमों का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं याद आ रहा है ना पिछली एक्सरसाइज में हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था तो जाहिर है डेरिवेटिव लेने लगे हैं तो इधर भी डी वाई ओवर डी एक्स लिख लिया और इधर भी ये जो सारा फंक्शन है उसके साथ डी ओवर डी एक्स लिख लिया अब प्रोडक्ट रूल लगाना है प्रोडक्ट रूल क्या था कि पहले एक अमाउंट को कांस्टेंट रखें और दूसरी वाली अमाउंट का डेरिवेटिव लें प्लस फिर जब इसका डेरिवेटिव लिया है तो उसको कांस्टेंट रखें और जिसको बाहर अब ऐसे रखा हुआ था अब उसका डेरिवेटिव ले लें ये वो बारी बारी वाला डेरिवेटिव है कि एक दफ़ा उसको कहा भाई तुम बाहर बैठो इसका डेरिवेटिव होगा फिर कहा भाई अब उसका हो चुका है तुम बाहर बैठो और दूसरे वाले का डायरेवेटिव लें तो इस तरह से करके ये हमारा प्रोडक्ट रूल लगाया जाता है अभी इसे हम हल करेंगे डेरिवेटिव अभी लेना है अभी सिर्फ लिखा है तो एक्स केयर आएगा अब सीकेंड का मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था कि सीकेंड का डेरिवेटिव जब होता है तो सीकेंड एक दफ़ा खुद आता है एक दफ़ा टेन भी आता है उसके साथ और जो भी एंगल होगा वो लिखा जाएगा लेकिन ये हाल एंगल नहीं है सिंगल एक्स नहीं है या सिंगल थीटा नहीं है तो जो भी एंगल होता है उसका फिर उसका भी डेरिवेटिव लिया जाता है तो फोर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा फ़ोर तो वो लिखा है क्योंकि x का डेरिवेटिव वन हो जाता है ना तो साथ फोर मल्टीप्लाय है तो फोर तो ये फोर एक्सट्रा साथ आना है इधर पहुंचे सेकेंड फोर एक्स है एक्स केयर का डेरिवेटिव जाहिर है ये पावर रूल लगना है ना पावर पीछे पावर में से एक माइनस तो पावर टू पीछे आ गई टू में से एक वन माइनस करें तो वन होती है वन लिखते नहीं है तो टू एक्स आ जाएगा तो डेरिवेटिव तो यहाँ पे आ गया बस ये है कि थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लें इसको ठीक है ये थोड़ा सीधा कर दें फोर को शुरू में लिख लें फोर एक्स केयर साथ ये सारा और ये भी टू एक्स शुरू में लिख लें और साथ ये सारा और आप देख लें क्या कामन हो सकता है क्योंकि इधर फोर एक्स केयर है इधर टू एक्स तो टू एक्स कामन हो सकता है और सीकेंड फोर एक्स दोनों में है वो भी कामन ले लें तो बाकी रह जाएगा इधर सिर्फ टैन है फोर एक्स और उधर जो है वो सारा ही बाहर जा चुका है तो वहां पे वन रह जाएगा तो ये फिर अल्टीमेटली हमारा आंसर बनता है इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं टेन क्यूब थीटा और साथ सीकेंट स्केयर थीटा यहाँ पे भी देखें दो रक में तो दोबारा से प्रोडक्ट रूल ही लगाया जाएगा पहला काम तो वही है y नाम रख दिया उसका फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस कराना है तो जाहिर है प्रोडक्ट रूल लगना है अब देखें थीटा है तो हम ये लिखेंगे डी वाई ओवर डी थीटा ठीक है ना जब वहाँ पे x था तो हमने विद रिस्पेक्ट टू तो x लिखा डी वाई ओवर डी एक्स तो यहाँ थीटा है तो थीटा लिखेंगे अब वही बारी बारी टेन क्यूब थीटा को कहा भाई तुम बाहर बैठो सीकेंड का डेरिवेटिव होने लगा साथ देखें डी ओवर डी थीटा अब सीकेंड को कहा है तुम बाहर बैठो और टेन का डेरिवेटिव लेने लगे ठीक है ना तो ये बारी बारी अब देखें टेन एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है अब सीकेंड स्केयर का डेरिवेटिव है पहले तो देखें ये स्केयर है पावर है तो पावर रूल लगता है पावर पीछे देखें टू आया ना पीछे और फिर पावर में से एक माइनस दो में से एक माइनस करें तो एक ही रहता है ठीक है तो टू secant थीटा हो गया अब secant जो अंदर चीज है उसका भी डेरिवेटिव होता है ठीक है ना ये ये असल में एक जनरल रूल है अगर मैं थोड़ा सा आपको टाइम यहां जरा बताता हूं अगर फॉर एग्जांपल ये है टू एक्स प्लस वन की पावर सेवन तो इसका आप डेरिवेटिव लेना हो तो आप क्या करते हैं पावर रूल लगेगा ना पावर पीछे आएगी पावर में से एक माइनस भी करेंगे तो ज़ाहिर छः हो जाएगा लेकिन जो अंदर फंक्शन है उसका फिर डेरिवेटिव होता है तो टू एक्स का डेरिवेटिव टू जो है वो उसने साथ आना है तो हर जगह जनरल पावर रूल या जनरल रूल जो है वो ज़रूर लगता है कि अगर पावर शावर आ जाए तो अंदर वाली चीज़ का फिर डेरिवेटिव होता है तो ये फिर हम यही कर रहे हैं कि टू पावर पीछे गई उसमें से एक माइनस सात सीकेंड अब सीकेंड का फिर डेरिवेटिव अकेले से क्या होता है सिकंड का तो सीकेंड का होता है सीकेंड और टैन ये भी हमने पिछले सवाल में किया ठीक है ना तो वो हम लिखेंगे उसकी जगह पे फिर यहाँ पहुंचे सीकेंड स्केयर थीटा है अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो इस पर भी पावर है तो इसका भी पावर वो लगना चाहिए ना पावर पीछे अब ये मैंने कहाँ किया है ये 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 हाँ सॉरी मुझे नजर नहीं था आ रहा ये लिखा ना ऐसे ही तो इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं तो पावर थ्री है थ्री देखें पीछे गई है और थ्री में से देखें एक माइनस करा दिया हमने टू हो गया ना लेकिन टेन का फिर डेरिवेटिव टेन का डेरिवेटिव मैंने आपको पढ़ाया सीकेंड स्केयर थीटा वो भी साथ लिखना तो ऐसे करके ये डेरिवेटिव इसका पूरा होता है अब इनको ज़रा सीधा कर लें टेन की ये तीन पावर ये है एक पावर ये है चार हो जाएगी सीकेंड एक ये है एक ये है सीकेंड का स्केयर साथ ये टू आ गया इधर भी देखें एक तो ये थ्री आ गया और ये सिकेंड और स्केयर और स्केयर फोर पावर हो जाएगी और ये टैन स्केयर वैसे ही अब अगर कुछ कॉमन हो सकता है इनमें से तो वो ले लें तो दोनों में से टैं स्केयर सिकेंड स्केयर निकलता है बाकी अमाउंट्स ऐसे करके लिख लेते हैं तो इसका आंसर ये बनता है सवाल का तीसरा पार्ट और इसमें भी देखें ये जो फंक्शन जो भी है लेकिन सारे के ऊपर पावर है तो जाहिर है जब डेरिवेटिव लेने लगेंगे तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि पावर रूल लगाई जाए सुबह so, वाई जिकटू वाई नाम रखा अब डी वाई ओवर चूंकि इसमें थीटा है तो डी वाई ओवर डी थीटा और सारे की पावर है ना तो देखें पावर रूल लगाएंगे पावर टू शुरू में आई सारी अमाउंट वैसे ही और पावर में से एक माइनस करा लिया ठीक है तो दो में से एक निकालें एक आता है वो लिखें नहा लिखें मैंने नहीं था लिखा हुआ चले मैंने आपको ये दिखा दिया कैसे होता है ठीक है तो जब पावर रूल लग गई है तो फिर अंदर वाले फंक्शन का भी तो डेरिवेटिव होना है ये जो साइन टू थीटा कॉज थ्री थीटा तो ये देखे मैंने लिखा है डी ओवर डी थीटा ऑफ इसका तो इसका अभी डेरिवेटिव लिया जाना है ये पीछे रहता है तो टू और ये सारा हमने लिख लिया एक दफा वैसे ही अब इसका डेरिवेटिव है तो रूल मैंने पढ़ाया था कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज तो कॉज ऑफ टू थीटा लेकिन फिर वही बात है कि यह सिंगल थीटा नहीं है टू थीटा तो टू थीटा का डेरिवेटिव टू थीटा का वन हो जाता है ना सिंग जैसे सिंगल एक्स का वन हो जाता है तो टू आ गया और कॉज का डेरिवेटिव साइन होता है लेकिन माइनस में कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो वो ये दो माइनसेज मिलके प्लस हो जाएगा तो कॉज़ का क्या हो गया साइन थ्री थीटा लेकिन चूँकि थ्री थीटा है तो थ्री थीटा का डेरिवेटिव थ्री भी आना है तो ऐसे करके लिख दें और अगले स्टेप में थोड़ा सा इसे ज़रा सीधा पदरा कर दें तो ये अल्टीमेट आंसर बन जाता है तो जो कि मैंने नहीं किया ठीक है यहाँ तक ही आपने इसको छोड़ देना है यहाँ तक ये ओके है फोर वाला पार्ट अब देखें ये छोटे छोटे सवाल ही हैं कॉज ऑफ़ एक्स का अंडर रूट प्लस साइन ऑफ एक्स सारे का अंडर रूट अब देखें ये आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है कि यहाँ सिर्फ उसने एक्स पे अंडर रूट लगाई है यहाँ साइन ऑफ एक्स लिख के सारे पे अंडर रूट है तो जाहिर है दोनों की जो डीलिंग है वो डिफरेंट होगी पहला काम तो वही है वाई नाम रखें उसका अब डेरिवेटिव शुरू करते हैं अब शुरू में जो कि कॉज आ रहा है ना तो हमें पता है कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस साइन और जो एंगल है एक्स अंडर रूट वो लिख लिया लेकिन हमें पता है कि एक्स रूट का डेरिवेटिव फिर हमें लेना पड़ेगा तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ आएंगे तो ये साइन ऑफ एक्स की अंडर रूट थी ना अंडर रूट वन ओवर टू पावर होती है सो so, उसको वैसे लिख के अब इसमें सारे की पावर है तो पावर रूल लगना चाहिए पहले सो so, पावर पीछे पावर में से एक माइनस वन ओवर टू माइनस वन करें तो माइनस वन ओवर टू ही आता है वो मैंने करवा दिया है और फिर अंदर जो साइन ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव भी तो लिया जाना है ठीक है जैसे मैंने आपको रूल बताया पीछे तो साइन का डायरेवेटिव आगे आना है तो एक दफ़ा लिख लिया हमने अब अगले स्टेप में ये वाले डायरेवेटिव भी ले, ले लेते हैं तो माइनस साइन एक्स अंडर रूट वैसे ही आ गया इसके ऊपर चूंकि एक्स के ऊपर अंडर रूट है तो फिर ये वही वन ओवर टू पावर है तो पावर रूल लगा के वन ओवर टू पीछे वन ओवर टू में से एक माइनस किया तो माइनस वन ओवर टू आएगा तो ऐसे करके लिख लिया ये सारा एज इट इज आएगा लेकिन साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज ऑफ एक्स होता है और अब चूंकि सारे डेरिवेटिव खत्म हो गए हैं तो थोड़ी सी एक सिंप्लीफिकेशन हम करा रहे हैं कि एक्स के ऊपर नेगेटिव पावर है ना तो देखें एक्स को हमने अंडर नीचे ले गए अंडर रूट वन ओवर टू अंडर रूट ही होता है और ये टू भी ओवर में है साइन ऑफ एक्स ऊपर यहाँ से भी देखें इस सारे की नेगेटिव पावर है तो साइन ऑफ एक्स को नीचे ले जाए अंडर रूट बना के कॉज ऑफ एक्स ऊपर ही है और ये वाला टू भी नीचे तो ऐसे करके ज़रा ये सिम्प्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है लो जी क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ गए फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स डेरीवेटिव लेना है लेकिन फंक्शन ज़ाहिर है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा वाई इज़ इक्वल टू एक्स कॉज ऑफ वाई ये वही सवाल है इम्प्लिसिट फंक्शन वाले के जिसमें एक्स और वाई ना मिक्स हुए होते हैं तो कोई मसला नहीं है ये भी बड़े आराम से हो जाते हैं हमें डेरिवेटिव लेना है ना तो वेरिएबल दोनों तरफ है तो हम दोनों तरफ लिखेंगे भाई डी ओवर डी एक्स और इधर भी डी ओवर डी एक्स सही है अब चूंकि यहां तो सिंगल वाई है ना तो ये तो बेचारा वैसे ही बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स लेकिन यहां फिर देखेंगे हमारे पास दो चीजें हैं एक एक्स है एक और एक कॉज ऑफ वाई है तो इन दोनों पे फिर प्रोडक्ट रूल ही लगना चाहिए तो वही हम कर रहे हैं एक्स को वैसे ही रखा कॉज ऑफ वाई का डेरिवेटिव फिर कॉज ऑफ वाई को वैसे ही रखा और एक्स का डेरिवेटिव सही है ना इसी तरह से करते हैं अब देखें ये तो जाहिर है डी वाई ओवर डी एक्स ये साथ साथ आता जाना है इसी ने एक्स आ गया कॉस का डेरिवेटिव अभी हमने किया माइनस साइन होता है ठीक है माइनस साइन लेकिन यहां देखें हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स लेकिन वो वेरिएबल क्या है वाई तो फिर जब इस तरह की चीज़ हो तो ये जो वाई है इसका फिर डेरिवेटिव आना है ना तो डी वाई ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स जो हो रहा है तो इसलिए माइनस साइन ऑफ वाई तो हो गया लेकिन इस वाई का डी वाई ओवर डी एक्स आना है कॉज ऑफ़ वाई वैसे ही और एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है वन होता है ठीक है शुरू में हमने पढ़ा हुआ पहला रूल है इसका का तो वन हो जाएगा ठीक है अब इसको ज़रा देखें इधर भी डी वाई ओवर डी एक्स है और इस रकम के साथ भी डी वाई ओवर डी एक्स है तो दोनों डी वाई ओवर डी एक्स एक तरफ होने चाहिए ताकि हम उनको अलहदा से उसका आंसर ले सकें तो ये अमाउंट उठा के उधर ले जाएंगे उधर जाके इसने नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाना है सो ये देखें अगले स्टेप में ये इधर आके प्लस में आ जाएगी उधर बेचारा सिर्फ़ वो काज ऑफ़ वाई रह गया इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स कामन ले लें तो इधर आ गया वन इधर आ गया एक्स साइन ऑफ वाई और उधर वही चीज़ और चूँकि ये हमें फाइंड करना है तो ये सारी अमाउंट जो मल्टीप्लाई हो रही है उससे उधर ले जाएंगे और डिवाइड में लिख देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाती है तो ये आंसर बन गया डी वाई ओवर डी एक्स आलैदा हो गया डेरिवेटिव मालूम हो गया सेकेंड पार्ट देखें उसी से मिलता जुलता है एक तरफ एक्स है और इधर वाई और साइन ऑफ वाई है तो उसी तरह हम डेरिवेटिव लेना शुरू कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इधर भी डी ओवर डी एक्स और इधर अब हमें नज़र आ रहा है कि प्रोडक्ट रूल लगना है दो चीज़ें हैं एक वाई है एक साइन ऑफ वाई है तो वाई को कॉन्स्टेंट रखा साइन का डरेवेटिव फिर साइन को एज इट इज रखा फिर वाई का डेरेवेटिव ओके वाई को इधर रखा अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज कॉज ऑफ वाई लेकिन चूंकि वाई है तो विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स है डी वाई ओवर डी एक्स आना चाहिए साइन ऑफ वाई और ये बेचारा वाई अकेला ही है तो डी वाई ओवर डी एक्स उसने बन जाना है तो डी वाई ओवर डी एक्स बन गए अब देखें डी वाई ओवर डी एक्स वाली दोनों रकमें इसी तरफ है तो यहीं से आप इनका डी वाई ओवर डी एक्स कामन निकाल दें ठीक है ना तो जब ये कॉमन निकल जाएगा तो क्या रह गया वाई कॉज ऑफ वाई और इधर रह गया साइन ऑफ वाई वो लिख लिया और चूंकि हमें इसी को फाइंड करना है और ये सारी चीज़ उसे मल्टीप्लाई हो रही है तो ये सारी चीज़ उधर जाके वन के ओवर में चली जाएगी तो वन के ओवर में लिख दिया और आंसर क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाए डिफ्रेंशिएट यहाँ पर भी डेरिवेटिव ही लेना है सवाल क्या है कॉज और फिर अंडर रूट और फिर अंदर अब ये देखें तीन चीज़ें हैं तो इनको ध्यान रखना है पहले कॉज है फिर जाहिर है ये स्केय रूट है वन ओवर टू पावर और फिर ये वाली चीज़ तो तीनों चीज़ों का बारी बारी डेरिवेटिव आना है पहला काम तो वही है नाम रखें इसका वाईज इक्वल टू दिस वन और फिर जाहिर है कि डेरिवेटिव हम शुरू करते हैं इसका सो डेरिवेटिव में क्या है कि सबसे पहले कॉज का डेरिवेटिव कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है माइनस साइन और साथ उसके जो भी ये चीज़ है सारी की सारी वैसे ही लिख देंगे हम वन ओवर टू लिखें अंडर रूट लिखें एक ही बात है और उसके बाद फिर ये जो अंदर वाली चीज है इसका भी डेरिवेटिव होना चाहिए ठीक है ना कॉज का डेरिवेटिव हो गया लेकिन उसके जो अंदर चीज है उसका फिर डेरिवेटिव तो आगे डी ओवर डी एक्स ऑफ ये चीज हम लिख देंगे आगे चलते हैं अब जाहिर है इसको ऐसे ही रखेंगे अब इसके ऊपर पावर रूल है ना पावर है सारे के ऊपर पावर है तो पावर पीछे पावर में से एक माइनस वन ओवर टू माइनस वन करेंगे माइनस वन ओवर टू आ जाएगा अब पावर रूल तो लग गया लेकिन जिस चीज पे पावर रूल लगा रहे हैं उसका फिर डेरिवेटिव ठीक है डी ओवर डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स तो इसका आगे फिर डेरिवेटिव होना है लेकिन साथ साथ अब सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे माइनस साइन ये सारा लिख लिया इस पर देखें नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए इसकी जो अंदर वाली अमाउंट है इसे उल्टा आ देंगे वन प्लस टू एक्स ने ऊपर आ जाना है वन प्लस एक्स ने नीचे चले जाना है और वन ओवर टू प्लस में पावर हो जाएगी तो वो जाहिर है कि अंडर रूट बना दे उसको साथ इसका डेरिवेटिव है ये आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन रूल डिवाइड हो रही है ना दो चीजें तो क्वेश्चन रूल तो लगना है नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन होता है माइनस फिर ऊपर वाली टर्म और नीचे वाले का डेरिवेटिव यहां एक्स का वन हो जाएगा तो है ना? टू वन 2 तो इसका टू आना है और नीचे वाली फंक्शन का स्केयर ले लेते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन रूल था अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लें ये दोनों अमाउंट्स वैसे ही लिख लें क्योंकि इनपे फर्दर अभी कुछ हो नहीं सकता इसको सॉल्व करवाएंगे वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो वन प्लस टू एक्स ही आना है माइनस से जब ये होगा और साथ टू से भी मल्टीप्लाई टू वन जर टू एंड टू एक्स लेकिन माइनस से उसके साइन भी जाहिर है कि चेंज हो जाएंगे यहां से क्या कटता है जी प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स कट जाएगा वन माइनस टू करेंगे तो माइनस वन रह जाएगा और साथ ही अमाउंट अब यहां पे थोड़ा सा काम ये होगा कि ये देखें ये जो वन प्लस टू एक्स ऊपर भी है और ये नीचे भी है तो इसकी टू पावर है ना तो ऊपर से ये जो वन ओवर टू है क्योंकि इसकी पावर वन ओवर टू है सो ये वन ओवर टू को नीचे साथ ले आए तो क्या हो जाएगा टू माइनस वन ओवर टू पावर और दो में से आप जब माइनस कराते हैं वन ओवर टू को अगेन कैलकुलेटर पर चेक कर लें ये थ्री ओवर टू बन जाता है तो वन प्लस टू एक्स की पावर जो है वो थ्री ओवर टू हो जाएगी बाकी सारा हमने वैसे लिख देना माइनस साइन ये सारा वन ओवर टू और ये जो वन वन प्लस एक्स का अंडर रूट है वो भी हम साथ लिख देंगे तो ये सारा हमारा आखिरी स्टेप होना है सो तो ये देखें साइन ऑफ वो सारा टू के साथ टू भी ओवर में ही था ना और वन प्लस एक्स का अंडर रूट है और इसकी पावर जाहिर है थ्री ओवर टू हो गई अब तो ये हमारा आंसर बनता है अब इसका जो सेकेंड पार्ट है बिल्कुल पहले की तरह है क्योंकि उसमें कॉज था यहाँ साइन है बाकी सब कुछ वैसे ही होना है ठीक है तो पहले y का नाम रख लिया डेरिवेटिव लेने लगे हैं तो पहले साइन है तो साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है तो कॉज ऑफ ये सारी अमाउंट फिर ज़ाहिर है इस अमाउंट का भी तो साथ डेरिवेटिव लेना है तो इस पर वो अंडर रूट है ना वन ओवर टू पावर तो जैसे पिछले में किया था पावर पीछे पावर में से एक माइनस वो भी करवा दिया और फिर ये जो अंदर वाली चीज़ है उसका भी डेरिवेटिव होना है एग्जैक्टली exactly पिछला पार्ट है सही हो गया फिर इसी तरह इसको लिख लिया इसकी चूंकि नेगेटिव पावर है इसको उल्टा आएंगे ताकि पॉजिटिव पावर हो सके वन प्लस टू एक्स नीचे चला गया वन प्लस एक्स ऊपर चला गया और साथ इसके ऊपर जो है क्वेश्चन रूल तो वन प्लस एक्स एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव टू माइनस साइन लगाया अब ऊपर वाली वन प्लस टू एक्स आ गई और नीचे वाले का डेरिवेटिव वन और नीचे वाली का स्क्वायर तो इस अमाउंट को वैसे ही इसको भी साथ वैसे ही अब जाहिर है इसकी सिंप्लीफिकेशन होनी है ठीक है तो इसको टू से मल्टीप्लाई टू वन जो टू टू एक्स माइनस के साथ ये क्योंकि वन से मल्टीप्लाई तो वही रहता है तो दोनों के साइन चेंज करवा दें यहाँ फिर ये दोनों कटेंगे दो में से एक माइनस एक ये बिल्कुल वैसे ही पार्ट हो रहा है पिछला जो हमने समझा है ठीक है और यहाँ से फिर वही कि ये वन प्लस एक्स है ये भी वन प्लस एक्स है तो इसकी टू पावर यहाँ वन ओवर टू सो दो में से एक बटा दो माइनस कराएंगे फिर इसने थ्री ओवर टू ही बनना है तो ये देखें थ्री ओवर टू बन गए साथ ही जो हमारा वन प्लस टू एक्स है वो अंडर रूट के साथ ओवर में आ रहा है ये ओवर में टू आ रहा है कॉज वाली ये सारी वैसे लिख दी तो इस तरह से ये भी देखें आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें भी डिफ्रेंशिएट ही करना है लेकिन सवाल की नोयत पे गौर करना है साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट ऑफ एक्स यानी इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू इसके ठीक है और जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेना है वो खुद भी फंक्शन है तो इसका फिर अगेन आसान तरीका ये होता है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं उनका नाम रख लें तो इस वाले को आप वाई कह लें इस वाले को यू कह लें तो जब हमें अब पता है कि इसका डेरिवेटिव इसके लिहाज से लेना है तो मतलब y का डेरिवेटिव u के लिहाज से लेना है तो फिर क्या होगा डी वाई ओवर डी यू ठीक है वी नीड डी वाई ओवर डी यू ये हमें फाइंड करना है और ये कैसे फाइंड होगा यहाँ पे चेन रूल लगेगा तो ये जो दोनों फंक्शन हैं इनके आप डेरिवेटिव लेकर रख लें डी वाई ओवर डी एक्स करें क्योंकि एक्स का फंक्शन है ना तो डी वाई ओवर डी एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉस बड़ा सिंपल सा है और डी यू ओवर डी एक्स यू का भी तो एक्स का ही फंक्शन है ना तो डी यू ओवर डी एक्स तो कॉट का डेरिवेटिव जो है ये माइनस कोसिकेंड स्केयर है ये मैंने लिखे थे फार्मूला शुरू में तो दोनों डेरिवेटिव आ गया ना अब उसका चेन रूल का फार्मूला लगाएं तो हमें चूंकि डी वाई ओवर डी यू चाहिए तो डी वाई वाली चीज़ को पहले लिखें ये डी वाई ओवर डी यू निकाला मैं ना डी वाई ओवर डी एक्स सॉरी तो डी वाई ओवर डी एक्स लिखें साथ लिखें डी एक्स ओवर डी यू क्योंकि देखें इधर ओवर में dx है तो ऊपर dx होगा तो ये कटेंगे तो dy वाई ओवर डी बनेगा ना दोबारा से तो इसलिए ये वाली जो अमाउंट है ये जो du यू ओवर डी है इसको उल्टाना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए dx एक्स ओवर डी तो बहरहाल इनकी वैल्यूज लगाते हैं dy वाई ओवर डी की वैल्यू कॉज ऑफ एक्स आ जाएगी इसकी वैल्यू जो ये वाली है ये उल्ट के आएगी चेंज हो के उल्टा हो के क्योंकि डी यू ओवर डी है हमें डी एक्स ओवर डी चाहिए तो इसको देखें वन ओवर में करके लिख लें और साथ माइनस साइन भी है तो ये लिख लिया कॉज लिख लिया कोसिकेंट देखें ये मैंने गलती कर दी कि कॉज को तो लिख लिया लेकिन कोसिकट ओवर में है ना तो इसका फिर सीधा करेंगे तो क्या होगा साइन साइन स्केयर एक्स ठीक है माइनस कॉज ऑफ एक्स और साइंस केयर एक्स ये इसका आंसर बनता है सेकेंड पार्ट देखें बिल्कुल वैसे ही होना है साइंस स्केयर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉज फोर एक्स तो अगेन इसको y कहेंगे हम इसको u कहेंगे और इन दोनों के अपने अपने अलहदा डेरिवेटिव जो है वो हम ले लेंगे dy वाई ओवर डी करना है तो चूंकि साइन स्केयर था ना तो पावर रूल लगनी है ऐसे था ना साइन स्केयर एक्स तो पावर है चूंकि तो पावर टू जो है वो पीछे आएगी ठीक है और फिर साइन आएगा और जहर टू में से एक माइनस करके यहाँ वन पावर ही आती है और फिर साइन का डेरिवेटिव कॉज वो लिख लिया फिर साथ था डी यू ओवर डी एक्स और यू हमारा क्या था मैं साथ लिख देता हूँ कॉज फोर एक्स ठीक है तो इसका डेरिवेटिव तो इसमें भी पहले पावर रूल लगेगी फोर पीछे फोर में से देखें एक माइनस हो गया और कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन तो ये हमने लिख लेना है दोनों चीजें आ गई आप वो फार्मूला उसका लिखें डी वाई ओवर डी यू जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स यानी ये वाली अमाउंट इन टू इस वाली अमाउंट का उल्ट डी एक्स ओवर डी यू डी एक्स ऊपर चला जाता है ठीक है सो so, जस्ट दोनों की वैल्यूज लगानी है इस वैल्यू ने जाहिर है उल्ट के लगना है और ये ऊपर है ये नीचे है सो so, यहां से देखें कुछ चीजें कटेंगी टू वन जर टू एंड टू टू जर फोर साइन एक ये है एक ये कट जाएगा कॉज जो है यहां तीन है तो एक कट के बाकी दो रह जाएंगे सो वन ओवर टू और कॉज का स्केयर एक्स साथ माइनस भी है तो माइनस एंड वन ओवर टू काज स्केयर एक्स और काज स्केयर एक्स जाहिर है किसका उल्ट होता है सीकेंट स्केयर उसका जो सतीला बाई है माइनस वन ओवर टू सीकेंड स्केर तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ़ टेन ऑफ वाई इन टू वन प्लस टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टेन ऑफ एक्स तो कहता हैं ये आपके पास इक्वेशन है और यहाँ से प्रूव करना है कि जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स तो उसका आंसर माइनस वन आएगा अब ये कैसे आएगा इसको हमें करना है तो देखें पहला स्टेप ये होगा कि ये जो y वाली टर्म है ना इसको अकेला कर लें टेन ऑफ y इधर रहने दें ये जो वन प्लस टेन एक्स है इसको उठा के उधर ले जाए इधर मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड तो देखें डिवाइड में आ गया और यहां पे देखें थोड़ी सी ना ट्रिक यूज करनी है ये tan का मैंने फार्मूला आपको शुरू में लिखवाया ये जो वन है ना वन को आप लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर पाई बाई फोर क्या होता है फोर्टी फाइव डिग्री पैंतालीस डिग्री पे टेन लिया जाए तो आंसर वन आता है तो वन की जगह पे फिर ये लिखा जा सकता है टैन फोर्टी फाइव डिग्री फोर पाई बाई फोर फोर्टी फाइव होता है साथ ये वैसा ही इस वन को नहीं चेंज करना ये वन वैसे ही लेकिन यहाँ ये जो टैन ऑफ एक्स है उसके साथ आप अगेन ये वाली जो चीज़ है टेन पाई बाई फोर वो लिख लें क्योंकि जाहिर है ये वन है वन को जहाँ मर्जी लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ऐसे लिखने से ये देखें आप ये फार्मूले की शक्ल बन गई है टेन ऑफ थीटा वन माइनस टेन ऑफ थीटा टू ओवर वन प्लस टेन ऑफ थीटा वन एंड थीटा टू तो ये फिर क्या होता है टेन थीटा वन माइनस थीटा टू तो ये बन जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स क्योंकि ये दो एंगल्स है ना सो टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स ये बनेगा अगले स्टेप में ये देखें तो इधर तो वही टेन ऑफ वाई है इधर टैन पाई बाई फोर माइनस एक्स अब ये जब काम कर लेंगे तो देखें दोनों तरफ से टैन को भी कटवाया जा सकता है सो बह रह जाएगा वाई इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस एक्स बड़ा सिंपल सा फंक्शन रह गया अब आप लें डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स एक्स के लिहाज से लेना है ना तो यही एक्स है इसका डायरीवेटिव वन हो जाएगा माइनस वन आंसर फाइव बाई फोर कॉन्स्टेंट नंबर है कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो होता है तो ये खत्म हो जाएगा उसका तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन इफ वाई इज इक्वल टू अब ये देखेंगे जो शक्ल बनी हुई है टेन एफ एक्स है एक बड़ा सा अंडर रूट है फिर टेन एफ एक्स है फिर अंडर रूट एंड सो so वन एक प्रॉपर पजल टाइप चीज बनाई हुई है टेन फिर अंडर रूट टेन अंडर रूट एंड सो so वान और ये अप टू इन्फिनिटी तक जाता है ठीक है और कहता है इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका जो आंसर है ना वो ये शेप बनेगी अब कैसे बनेगी क्या होगा इजी है काम मुश्किल नहीं है हमने पहले तो वही एक नाम रख लेना है वाई इज़ एकवल टू दिस वन रख लिया नाम अब एक हमें पता है कि ये एक बड़ी अंडर रूट जो है वो मौजूद है तो इस बड़ी अंडर रूट को अगर हम खत्म करना चाहें तो दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे स्केयर लेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स तो इधर भी वाई के ऊपर स्केयर आ गया और इधर क्या होगा कि ये जो बड़ी अंडर रूट है ना ये कट जाएगी खत्म हो जाएगी तो देखें ये वाला टैन जो है वो आज़ाद हो गया लेकिन बाकी जो है वो तो वैसे ही है और बाकी जो चीज़ है ये देखें फिर वही से वही वही चीज़ बन रही है क्योंकि ये बहुत लेंथ ही जाता है इन्फिनेटी तक जाता है तो ये दोबारा से ये देखें वाई सारा बन गया इधर से लेके एंड तक तो अगले स्टेप में हमने होशियारी ये दिखानी है कि इसकी जगह पे हमने वाई लिख लेना है क्योंकि ये सारा वाई है तो बन जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स प्लस वाई अब देखें बड़ी छोटी सी इक्वेशन बन गई ठीक है अब इसका डेरिवेटिव जो है वो लिया जा सकता है और ये हम फिर अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ लिख लिया अब देखें बाय स्केयर है तो डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा ना पावर टू पीछे जाएगी और पावर में से एक माइनस दो में से एक माइनस करें तो एक रहती है टू वाई आ गया लेकिन चूंकि विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स हो रहा होता है तो फिर साथ डी वाई ओवर डी एक्स भी लगाते हैं इधर आए तो tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर है मैंने फार्मूला आपको बताया और फिर चूंकि ये y है तो इसका डेरिवेटिव dy वाई ओवर डी एक्स करके लिख दें अब बड़े आराम से ये जो dy वाई ओवर डी एक्स उठाएँ उस साइड पे ले जाएं माइनस हो जाएगा फिर dy वाई ओवर डी होगा कॉमन तो इधर से क्या रह जाएगा 2y इधर से 1 तो 2y वाई माइनस तो यही चीज़ थी प्रूव करनी ठीक है ना ये देखें उसने कहा था यही चीज़ प्रूव करें तो एग्जैक्टली हमने वही चीज़ बना दी क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉज क्यूब थीटा एंड वाई इज इक्वल टू दिस वन ये दो अलहैदा से फंक्शन है वाई अलहैदा से है एक्स अलहैदा से है आगे से वो थीटा के फंक्शन है तो इनको भी आप अगेन ये चेन रूल वाला फार्मूला या जिसमें दो फंक्शन बन जाते हैं वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना होता है डी वाई और डी एक्स तो बहरहाल चेन रूल जब भी आता है तो हम इनके अकेले अकेले डेरिवेटिव पहले ले लेते हैं एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा ए कॉन्स्टेंट नंबर है उसका कोई मसला नहीं है वो ऐसे ही रहेगा लेकिन पावर रूल लगना है पावर थ्री शुरू में आ जाएगी और उसमें से एक देखें कम भी कर दी हमने और आगे कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन हर दफा जनरल रूल जो लगाते हैं इसी तरह डी वाई ओवर डी थीटा है वाई वाली पे आ जाए थ्री पीछे आएगी थ्री बी साइन का स्केयर हो जाएगा क्योंकि पावर में से एक माइनस करना है और साइन का डेरिवेटिव cos वो लिख लिया अब फार्मूला लगा ले हमें चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स तो उसके लिए ये जो डी वाई ओवर डी थीटा है ये ऐसे ही और इस वाली अमाउंट ने उल्टना है पिछले सवाल में भी हमने यही किया था क्योंकि d थीटा ओवर dx चाहिए feels, तो ये जो d थीटा ओवर dx की ये वैल्यू है ये उल्ट के आ जाएगी और dy वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू को हम ऐसे ही लिख लेंगे ये वाली जो अमाउंट है देखें ऐसे ही आ गई है और वो जो हमारे dx एक्स ओवर डी थीटा वाली अमाउंट है ये वाली ये उल्ट के ओवर में आ जाएगी ये माइनस साइन ये नहीं है कि ये माइनस हो रहे हैं ये बीच में डॉट है ये वैसे मल्टीप्लाई हैं जस्ट माइनस साइन शुरू में लगाया जा सकता है अब यहाँ देखें कुछ कटेगा एक तो थ्री थ्री कट जाएगा फिर यहाँ साइन का स्केयर है यहाँ एक सिंगल साइन है तो सिंगल साइन सिंगल साइन कटा इसी तरह सिंगल काज सिंगल काज कट गया तो सिर्फ क्या रह गया जी ऊपर ये बी रह गया नीचे ए बी ओवर है और ऊपर ये एक साइन बच गया नीचे काज बच गया तो माइनस बी ओवर है साइन ओवर कॉज और अगले स्टेप में आप कह सकते हैं कि ये जो साइन ओवर कॉज है ये क्या है टैन इसको आप टैन की शक्ल में लिख सकते हैं आप टैन कह दें उसको तो टैन लिख दिया अब इसको थोड़ा सीधा करना है तो मा ए को उठाएं उधर ले जाएं उधर आके मल्टीप्लाई और चूंकि ये माइनस भी टेन थीटा है ये सारी अमाउंट उठ के उधर लेके जाएं तो जाहिर है माइनस से उसमें प्लस हो जाना है क्वेश्चन नंबर नाइन फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ एक्स इज इक्ल टू दिस वन वाई इज इक्ल टू दिस वन अब यहाँ पे भी अगेन एक्स और वाई अलीहदा अलहदा है तो इस पर भी हमें वो चेन रूल ज़रूर लगाना है क्योंकि उसके बगैर होगा नहीं तो एक्स किसका फंक्शन है टी का तो डी एक्स ओवर डी टी ठीक है ना एक्स का टी के लिहाज से ए फिर कांस्टेंट है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव जो है वो प्लस का cos ठीक है तो ये तो एक ही स्टेप में आंसर इसका बन गया जब हमें डी वाई ओवर डी टी करना है तो वो हम देखें शुरू करते हैं ए कॉन्स्टेंट नंबर साइन का डेरिवेटिव जाहिर है कॉज हो जाएगा यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये दो चीज़ें हैं टी भी है और कॉज ऑफ टी भी है तो फिर इस पे क्या होना चाहिए वो जो क्या उसका नाम था प्रोडक्ट रूल वो लगना चाहिए ना तो इसको अलहदा कर लें ज़रा माइनस भी है और ए भी है ना तो वो इसका अलहदा लिख लें और ये जो टी कॉज ऑफ टी है इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा एक दफ़ा टी देखें वैसे ही कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन फिर अब कॉज वैसे ही और टी का डेरिवेटिव वो वन होता है वो मैंने लिखा ही नहीं है ठीक है ना तो डी टी ओवर डी टी वन हो जाता है तो हाल ही कॉज रह जाएगा और इसको थोड़ा सा जाहिर है माइनस ए बाहर है ना इससे मल्टीप्लाई कराएं माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ए टी साइन ऑफ टी और आगे माइनस ए कॉस ऑफ टी माइनस ए कॉस ऑफ टी अब क्या होगा ये दो अमाउंट्स कटेंगी क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली exactly सेम है तो पीछे क्या रह गया ए टी एंड साइन ऑफ टी तो ये हमारा डी वाई ओवर डी टी आया सो दोनों चीज़ें निकाल ली डी एक्स ओवर डी टी भी आ गया डी वाई ओवर डी टी भी आ गया तो चेन रूल का जो हमारा फार्मूला है वो हमें लिखना है डी वाई ऑलवेज़ पहले होता है डी वाई ओवर डी टी और साथ इसको उल्टा के डी टी ओवर डी एक्स वो लिख लें तो डी वाई ओवर डी टी, टी, टी ये आया ए टी साइन ऑफ टी ये चूंकि बड़ी अमाउंट थी लेकिन ये इसको उल्टाया भी हुआ है तो वन ओवर की शक्ल में इसने आना है जो हमने फाइंड किया ए और ये सारा और इसको सीधा कर लें एक तो ये ए कटवा दें साइड ऑफ टी ऊपर है साथ ही टी भी ऊपर है और ये दोनों नीचे हैं उनको लिख लें कॉज पॉजिटिव है मैंने उसको पहले लिख लिया ये नेगेटिव है मैंने उसको आगे लिख लिया क्वेश्चन नंबर टेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे भी एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है लेकिन नए फार्मूले आगे क्योंकि यहाँ पे है इनवर्स वाले जैसे ये उसने लिखा हुआ है कॉज इनवर्स एक्स ओवर अब डेरिवेटिव के इनवर्स वाले फार्मूले डिफरेंट हैं ये भी मैंने आपको शुरू में बताए हैं कि इनवर्स वाले फार्मूले क्या हैं। अब करना तो उसी तरह से है स्टार्ट उसी तरह से करें पहले इसका नाम रखें वाईज इक्वल टू जो भी है उसके बाद डेरिवेटिव। अब देखें कॉस के डेरिवेटिव में हमने कहा था आंसर इसका होता है माइनस वन ओवर वन माइनस एक्स का स्केयर या थीटा का स्केयर जो भी यहां एंगल होता है उसका हमने नीचे स्केयर लेना होता है ठीक है माइनस वन ओवर ये लाजमी फार्मूले में आएगा माइनस वन ओवर और अंडरवुड भी लाजमी है वन भी, माइनस भी ये सारी लाजमी चीज़ें उसकी फार्मूले का हिस्सा हैं सिर्फ फ़र्क पड़ना है यहाँ पे कि जो एंगल होगा छोटा बड़ा कुछ भी वो सारी की सारी चीज़ हमने यहाँ लिखनी होती है तो चूंकि एक्स ओवर ए है तो हमने यहाँ पे भी एक्स ओवर ए लिखना है और चूँकि ये हाली थीटा नहीं है हाली थीटा होना यहीं पर हतम हो जाता है यहीं पर सवाल हो जाता है लेकिन ये एक्स ओवर ए है तो फिर इस एक्स ओवर ए का भी अलहदा से डेरिवेटिव होगा जनरल रूल जो है हमारा इसी तरह ही कहता है तो इसको डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स ओवर ए साथ लिख देते हैं अब अगले स्टेप में आए तो माइनस वन ओवर आप देखें यहाँ वन माइनस ये एक्स का स्केयर ओवर ए का स्केयर बनेगा तो जब हम इसका जुआफिकल लेंगे एल्शियम लेंगे अब ज़ाहिर है पहले इसको ऐसे ही लिख लेना और इसका डेरिवेटिव लें तो एक्स का डेरिवेटिव होता है वन वन ओवर ए वो ये आ जाएगा अब क्या है कि ये जो नीचे है ये जो वन माइनस एक्स केयर ओवर ए स्केयर है इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का रूल क्या होता है ए स्केर ही एलसीएम आता है और फिर इस ए स्केयर ने वन से मल्टीप्लाई होना है तो देखें ए स्केयर वनज आर ए स्केयर माइनस ये एक्स केयर और जो ओवर में आ रहा था ना यहाँ देखिए मैं आपको इसका ना एक स्टेप बना देता हूँ शायद आपको यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाए क्योंकि मैंने इसका जो ओवर में एलसीएम का ए स्केर आया ना उसको मैंने ऊपर चढ़ा दिया है ठीक है ये यहाँ पे तो ये स्टेप में भी आपको समझ न आए इसको ऐसे देखें माइनस वन ओवर ये जो चीज़ है ना इसका जब आप एल्शियम लेंगे तो ये बनेगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर ऐसे करके ये चीज़ बननी है ठीक है ना क्योंकि ये ओवर में है ये नहीं है ओवर में तो इसका एल्शियम बनता है तो ओवर में ए स्केयर आता है अब देखें ए के ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर और अंडर रूट कट जाता है ए आज़ाद हो जाता है और ये चूंकि ओवर के नीचे ओवर है तो इसने ऊपर चले जाना होता है ओवर के नीचे डबल ओवर हो जाए तो चीज़ उन नीचे वाली ऊपर चली जाती है तो ये जो सिंगल ए है वो ऊपर चला जाएगा ये मैंने लिखा है तो ये असल में एक स्टेप मैंने ये वाला नहीं किया तो मे बी आपको कंफ्यूजन हो जाए मैं इसलिए करके दिखाया तो इसका एलसीएम होगा अब बाकी वही है ये ए और ए काट दें तो बाकी रह गया माइनस वन ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यही इसका आंसर हो जाएगा ये देखें माइनस वन ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो बस इतना सा काम है सेकेंड पार्ट देखें कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए उसी तरह पहले नाम रख लें वाई जिक्वल टू दिस वन और फिर जब डेरिवेटिव लेना है कॉट वाले में और टैन वाले में अंडर रूट नहीं आता ये याद रखना है और कॉट वाले में नीचे है वन प्लस एक्स का स्केयर तो जो भी ये एक्स ओवर ए है तो जाहिर है उसने एक्स ओवर ए ने आना है लेकिन कॉट में और टैन में फ़र्क क्या है ऊपर माइनस आ जाता है अगर ये टैन होता तो ऊपर हम प्लस वन लिखते हैं काट है तो माइनस वन लिखा जाना है नीचे वन प्लस एक्स का स्केयर और फिर ज़ाहिर है इसी एक्स ओवर ए का फिर डेरिवेटिव भी आना है जैसे पिछले पार्ट में किया अब यहाँ फिर वही कि नीचे ये एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर बनेगा इसका एल्शियम लेंगे ए स्केयर वन जार ए स्केर हो जाएगा साथ ये एक्स का स्केयर और जो ओवर में ए स्केयर आ रहा है एल्शियम का वो ऊपर चले जाना है ठीक है यहाँ पे तो अंडर रूट नहीं है जिससे वो स्केयर कटे तो ये एग्जैक्ट पिछले पार्ट की तरह ही इसने होना है यहाँ पर डायरेवेटिव फिर वही एक्स का डायरेवेटिव वन होगा ओवर में ए है वन ओवर ए और एक ए जो है वो कट जाएगा तो सिंगल ए रह गया माइनस ए ओवर आई ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र तो ये इसका आंसर बन जाता है थर्ड वाले पार्ट पे आए अब ये सारे मिलते जुलते हैं सारे सवाल वन ओवर ए साइन इन ए ओवर एक्स वन ओवर ए तो कॉन्स्टेंट तो है ना तो इस पर तो रूल कुछ भी नहीं लगना है ये तो लादा रहेगा बाहर साइन का फार्मूला हम ज़ाहिर अलबत् हम यहाँ लगाएंगे तो बहरहाल पहले नाम रख लिया वाई डी वाई ओवर डी एक्स जब करने लगे हैं तो वन ओवर एक कॉन्स्टेंट है शुरू में आ जाएगा साइन का फार्मूला साइन और काज का फार्मूला मिलता जुलता है काज वाले में हमने माइनस वन ओवर किया था यहाँ देखें प्लस वन ओवर कर रहे हैं और नीचे वन माइनस एक्स का स्केयर और ऊपर अंडर रूट तो ये जो चीज़ है ये जो डि जो एंगल है उसका ओवर एक्स वो ज़ाहिर इधर आना है तो उसका स्केयर है और इसी एंगल का फिर आगे लगता से डेरिवेटिव भी होना है हर सवाल में हम ऐसे ही कर रहे हैं और इसी तरह से आप देखें ये जो चीज़ है जैसे पहले सवाल में हमने किया था कि ए स्केयर का ए ऊपर चला जाएगा और एक्स स्केयर वन जर एक्स केयर हो गया और साथ ये ए स्केयर और इसका जब डेरिवेटिव लेना है अब यहाँ पे देखें एक्स नीचे है ऊपर नहीं है ऊपर होता ना तो हाल ही हम वन कह देते जी इसका आंसर है क्योंकि एक्स ऐसे होगा तो उसका डेरिवेटिव वन होता है लेकिन हमारा एक्स जो है वो ओवर में है बटे में है तो उसको फिर डेरिवेटिव लेने के लिए उसको ऊपर लेके जाएं तो एक्स की पावर माइनस की हो जाएगी और ए कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रख लें अब अगले स्टेप में एक तो ये ए और ए कट जाएगा ना और दूसरा ये जो एक्स की माइनस वन पावर है तो माइनस वाला जो वो क्या है फार्मूला ठीक है पावर रूल वाला वो हम लगा देंगे कि पावर जी पीछे आई है पावर में से एक माइनस कराना है माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा और चूंकि ये इसके ऊपर नेगेटिव पावर है तो इसको ओवर में ले जाया जा सकता है समझें कि यहां पे अब वही बात है मैंने बाज़ जगह पे स्टेप खा दी है तो ये एक्स ऐसे ही ये नेगेटिव साइन और ये एक्स स्यर है ना नेगेटिव तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाए ऐसे कर लें और अब एक एक्स कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा माइनस वन ओवर एक्स इन टू एक्स स्कीयर माइनस ए स्केयर ऐसा करके आंसर आना है सही है फोर वाला पार्ट साइन इनवर्स दिस वन अब वही बात है, है साइन इनवर्स का फार्मूला ही लेकिन देखें डेरीवे वो जो आ, एंगल है वो बढ़ा हो गया तो जितना मर्जी बढ़ाओ फार्मूला वही लगना है पहले नाम रख लिया डी वाई ओवर डी एक्स वन ओवर वन माइनस यहाँ पे एंगल आता है तो एंगल अब ये सारा है तो उस सारे का स्केयर ठीक है ना वन ओवर वन माइनस एक्स का स्केयर थीटा का स्केयर तो जो एंगल है थीटा उसका स्केयर हम ले रहे हैं और फिर जाहिर है कि इसी चीज़ का वन माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट का अहदा से डेरिवेटिव भी तो होना चाहिए वो लहजा लिखेंगे अब यहाँ देखेंगे स्केयर अंडर रूट कटेगा अंदर रह जाएगा वन माइनस एक्स वो वन माइनस एक्स लिख दिया इस पे चूंकि पावर है तो पावर रूल लगेगा वन ओवर टू पीछे उसमें से एक माइनस किया ये आ गया अंदर वाली चीज का फिर डेरिवेटिव आ गया ठीक है छोड़ना नहीं इसको आगे तक एंड तक लेके जाना होता है अब ये देखें इसके नेगेटिव साइन को खुलवाएं ब्रैकेट लगी हुई है माइनस वन और प्लस एक्स केयर हो जाएगा वो लिखें इसका फिर वही काम करें कि चूंकि इसकी नेगेटिव पावर है तो इसको ओवर में ले जाएं ताकि वो पॉजिटिव हो सके वन ओवर टू और वन ओवर टू का अंडर रूट बना दिया और इसका डेरिवेटिव वन का तो जीरो होता है ना तो एक्स स्यर जो है टू एक्स होता है माइनस भी ऐसा तो माइनस टू एक्स इसका डेरिवेटिव फिर ये एक ये टू टू भी कट जाएगा ठीक है इसको भी कटवा दें और इधर से भी ये प्लस वन माइनस वन कट के एक्स का स्केयर रह गया और स्केयर अंडर रूट कट के सिर्फ एक्स और इधर से ये भी सिर्फ एक्स आ रहा है तो ये दोनों एक्सेस कट जाएंगे और माइनस वन ओवर ये चीज़ तो ये हमारा अल्टीमेट आंसर बनता है पांचवा पार्ट देखें ये अब ये सीकेंट वाला फार्मूला है तो अगेन फार्मूला आता हो फिर काम कुछ नहीं है सीकेंट इनवर्स जो भी फंक्शन है उसका तो वाई नाम रखा अब सीकेंड का फार्मूला मैंने क्या बताया था शुरू में वन ओवर एक्स अंडर रूट एक्स का स्केयर माइनस वन ठीक है ना? ये अगर मैं दोबारा लिखूँ वन ओवर एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस वन ये इसका फार्मूला है ठीक है ना तो उसी लिहाज से अब एक्स छोटी रकम तो नहीं है एक्स हमारा ये सारा है तो फिर वन ओवर ये सारी चीज़ अंडर रूट उसी सारी चीज़ का स्केयर माइनस वन लेकिन ज़ाहिर है इस चीज़ का अलहदा से डेरिवेटिव भी होना है जैसे पिछले पार्ट्स में किया अब इसे सिंप्लीफाई करना है ज़रा अब देखें ये ओवर के नीचे ओवर है ना ये दोनों रकम है तो सबसे नीचे वाली एक्स स्केयर माइनस वन ऊपर ले जाएंगे वो देखें ऊपर ले गए एक्स स्केयर प्लस वन ये आ गया और अंदर देखें इसका हम वो क्या उसको कहते हैं एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि तो ये ओवर में है ये साथ माइनस वन है तो एक्स स्केयर माइनस वन का जो होल स्केयर है वो उसका एलसीएम बन गया वो इसकी ऊपर वाली ये जो सारी अमाउंट है वैसे ही लिख ली और ये जो एक्स केयर माइनस वन ने वन से मल्टीप्लाई होना है तो वो ये भी साथ आना है। ऐसे करके जैसे एक आम एलसीएम का रूल है वो लगा रहे हैं हम और इस पर देखें डेरिवेटिव लेना है तो फिर क्वेश्चन रूल ही लगना है एक्स केयर माइनस वन एज इट इज़ ऊपर वाले का डायरेवेटिव फिर ऊपर वाली एज इट इज़ नीचे वाले का डायरेवेटिव सही हो गया अब यहाँ चलें आगे जाहिर है इसकी सिंप्लीफिकेशन होनी है इस चीज़ की और दूसरा ये देखें एक्स केयर माइनस वन ये भी है और ये भी है लेकिन ये इसका स्केयर है तो एक तो कट जाएगा ना तो नीचे रह जाएगा एक्सकेयर माइनस वन तो एक जो पावर है वो कट गई एक रह गया एक्स स्केयर माइनस वन और इसने देखें यहां से कटना है क्योंकि इसमें भी देखें ओवर के नीचे ओवर है ये ये काफ़ी नीचे है ये थोड़ा उससे ऊपर है ये कटवाया जा सकता है पहले तो देखें इसके ऊपर स्केयर है ना स्केयर अंडर रूट कट के ये स्केयर से आलादा हो जाएगा एक्सकेयर माइनस वन ये एक्सकेयर माइनस वन इससे कट जाएगा तो ये अल्टीमेट ये ये और ये मिलके ना ख़त्म हो जाएंगे ठीक है अब ऊपर जो ये अमाउंट है ना इसको ज़रा लिख लें 2x से मल्टीप्लाई कराएं 2x और x का स्केयर x का क्यूब हो जाएगा 2x एक्स वन ज़ार टू फिर जारी इसी तरह 2x का स्केयर फिर 2x एक्स वन जार जैसे मल्टीप्लाई कराते हैं साथ नेगेटिव साइन से भी साइन चेंज करवा दें नीचे ये एक्स स्क्र प्लस वन आ गया और रूट के अंदर अब ये जो अमाउंट है और इनके देखें स्केयर्स हैं इनके ऊपर इनके स्केयर्स खोल सकते हैं ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी ये माइनस का है तो ज़ाहिर माइनस टू ए इसमें प्लस का आ जाएगा और इसमें ब्रैकेट इसीलिए रखी है कि इसके बाहर अभी माइनस है ये साइन चेंज करवा सकता है ठीक है अगले स्टेप में आ जाए तो इधर से ये ज़ाहिर है कट रहा होगा कुछ ना कुछ तो ये वाली अमाउंट और ये अमाउंट कट रही है माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स और यहाँ से भी अंदर इसका ब्रैकेट खोल लें साइन चेंज करवा दें हमने साइन चेंज करा दिए तो यहाँ नीचे से भी चीज़ें कटेंगी माइनस एक्स फोर प्लस एक्स फोर प्लस वन माइनस वन तो टू और टू फोर फोर एक्स का स्केयर नीचे बच जाएगा और इसके ऊपर चूंकि अंडर रूट भी है तो अंडर रूट की वजह से फोर का ज़ाहिर है टू हो जाना है और एक्स स्केयर का एक्स हो जाना है सही है और अब ये दोनों कट जाएंगे टू टू जार फोर और एक्स और एक्स कट गया सो माइनस टू ओवर एक्स स्केयर प्लस वन ये देखें ये अल्टीमेट आंसर आता है सो so, थोड़ी सी जरा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सवाल थोड़ा बड़ा है सिक्स वाले पार्ट पे आ जाएँ कॉट इनवर्स टू एक्स ओवर दिस वन उसी तरह फार्मूला बस आना चाहिए पहले नाम रख लें वाई जब डेरिवेटिव लेना है तो कॉट वाले में माइनस वन ऊपर होता है टैन वाले में माइनस नहीं आता ठीक है और कॉट वाले में अंडर रूट टैन और कॉट में अंडर रूट कोई नहीं है ठीक है वो साइन और काज में यहाँ अंडर रूट आता है या सीकेंड में भी अंडर रूट आ रहा है चीज़ सीकेंड को सीकेंड में भी तो बहरहाल तो ये जो चीज़ है वन प्लस जाहिर है जो भी उसका एंगल है क्योंकि फार्मूला क्या है वन ओवर वन प्लस थीटा स्क्वायर तो ये जो जो भी थीटा हमारा एंगल है उसका स्क्वायर लेकिन इसी एंगल का फिर आगे जाहिर है उसका डेरिवेटिव भी लेना है अलहदा से ओके okay, इसको हल करेंगे इसका भी देखें नीचे इसका एल्सियम बन रहा है क्योंकि ये ओवर में है तो वन माइनस एक्स केयर का स्केयर ये हमारा एल्सियम बनेगा नीचे तो आपको पता है मैं मैंने कहता हूँ कि इसको ऊपर ले जाया जा सकता है और फिर एल्सियम लेते हुए वन माइनस एक्स केयर नहीं इस वन से भी मल्टीप्लाई होना है वो ये आ गया टू एक्स का स्केयर वो साथ आ गया इसका डायरेवेटिव फिर वही क्वेश्चन रूल वन माइनस एक्स का डायरेवेटिव टू फिर टू एज इट इज़ और इसका डायरेवेटिव ये आ गया ठीक हो गया अब इसमें देखें ये जो दोनों चीज़ें हैं ये सारी और ये सारी ये कट जाती है ठीक है माइनस साइन रहेगा और ये इनको फिर सिंप्लीफाई टू से मल्टीप्लाई करा दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें वो ये बन गया और नीचे जो है इसका आप स्केयर खोल सकते हैं क्योंकि ये देखना ए माइनस बी का होल स्केयर है तो ए का स्केयर वन का स्केयर वन होता है बी का स्केयर क्योंकि एक्स स्केयर है तो स्केयर का स्केयर फोर हो जाएगा पावर और माइनस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड वो ये बन गया साथ इस वाले का स्केयर ले लें आप ठीक है ये हो गया आगे चलें तो यहाँ से ये दोनों माइनस हो रहे हैं फोर एक्स स्केयर में से माइनस टू एक्स स्केयर निकाल दें तो प्लस का टू एक्स और नीचे जो है नीचे भी ये कुछ प्लस माइनस हो रहा है वन साथ ये एक्स की फोर ये दोनों क्योंकि चार में से ये दो निकालें तो प्लस का दो आ जाता है और अब क्या है कि ऊपर वाले में से देखें दो कामन लिया हुआ नज़र आ रहा है तो दो कामन ले लेना चाहिए यहां वन रह गया यहां एक्स का स्केयर रह गया और नीचे देखें ये वन प्लस एक्स का होल स्केयर बन रहा है वन का स्केयर लिख सकते हैं ना और एक्स की पावर फोर है तो एक्स केयर का स्केयर लिख सकते हैं और ये टू ए भी बनना है उसका ठीक है सो ये इस तरह से है वन का स्केयर प्लस एक्स स्केयर का स्केयर प्लस टू इंटू फर्स्ट एंड तो ये ए प्लस बी होल स्केयर बन जाता है वन प्लस एक्स स्यर का स्केयर तो अब क्या होगा एक पावर इससे कट जाएगी और ये रह गया माइनस टू ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर सेवन वाले पार्ट पे आ जाते हैं कॉज इनवर्स दिस वन अच्छा ये सारे सवाल ना मिलते जुलते हैं जब आप प्रैक्टिस करें ना दो तीन सवालों की तो ये आपको अजबर हो जाना है कि ऐसे ऐसे होना है क्योंकि सारे स्टेप एक जैसे ही हैं वाइज इक्वल टू लिखा अब कॉज इनवर्स का फार्मूला साइन कॉज में मैंने कहा था अंडर रूट आता है और कॉज में माइनस आता है साइन में माइनस नहीं आता माइनस वन ओवर वन माइनस थीटा का स्केयर तो जो भी ये थीटा है उसका स्केयर और उसी थीटा का फिर डेरिवेटिव वलहदा से अब इसको अगेन सिंप्लीफाई कराएंगे नीचे फिर फार्मूला वो एलसीएम बनना है तो वन माइनस एक्स स्केयर का स्केयर होगा ना तो स्केयर अंडर रूट काट के वन प्लस एक्स स्केयर रहेगा वो देखे मैंने ऊपर ले लिया क्योंकि अल्टीमेटली उस उसने ऊपर जाना है और नीचे जब इसका एल्शियम ले रहे होंगे तो वन प्लस एक्स केयर स्केयर वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये देखें ये आ गया साथ ही नेगेटिव साइन साथ ही इसका अपना जो अमाउंट है वो आ गई और इसका फिर क्वेश्चन रूल ठीक है क्वेश्चन रूल लगा दें आगे फिर वही काम करना है ये चीज़ और ये चीज कटेगी लेकिन एक पावर रह जानी है क्योंकि यहाँ स्केयर है तो एक पावर वन प्लस एक्स स्केयर जो है वो आपने साथ लिख लेना है ऊपर ज़ाहिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके बाहर ये नेगेटिव साइन है वो भी आप साथ रखें और नीचे इन दोनों के फार्मूले ए स्केयर बी स्केयर टू ए वो हम लगा देंगे उससे क्या होगा फिर ज़ाहिर है नेगेटिव से साइन भी चेंज होने हैं तो ये दोनों इन दोनों से कटेंगे ये दोनों एड होके फिर वही फोर एक्स स्केर इस तरह पीछे भी हुआ था और उसका अंडर रूट लेंगे 2x फिर ये आपस में कटेगा तो अल्टीमेट यही आंसर आएगा क्योंकि एग्जैक्ट इस तरह का आंसर हमने पीछे एक सवाल में निकाला है क्वेश्चन नंबर इलेवन जो है ये प्रूफ है कहता है शो दैट डेरिवेटिव है डी वाई ओवर डी एक्स वो वाई ओवर एक्स के बराबर होगा अगर इफ वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू दिस वन हो यानी इससे हमने ये प्रूफ करना है तो ये जो अमाउंट है इसको लेके हम चलेंगे यहाँ पे देखें y ओवर x है ना तो x को भी ले जाए उधर ताकि y ये अकेला हो जाए x इधर आके ज़ाहिर है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये फॉर्म हमने लिख लेनी है अब डेरिवेटिव लेना शुरू किया जा सकता है डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर देखें प्रोडक्ट है एक x अमाउंट है और एक tan इनवर्स ये वाली है तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगा, लगाएंगे लगाएंगे एक्स एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव देखें उसके साथ डेरिवेटिव लिखा है फिर ये चीज़ एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव आगे से प्रोडक्ट रूल यही था ठीक है उसको लिख लिया अब जरा इसके हल करते हैं tan इनवर्स का फार्मूला वन ओवर वन प्लस एक्स का स्केयर थीटा का स्केयर थीटा यही है उसका x ओवर y तो उसका स्केयर लेकिन जाहिर है इस x ओवर y का आगे डेरिवेटिव भी होना चाहिए यही काम पीछे करते आ रहे हैं tan इनवर्स x ओवर y लेकिन x का डेरिवेटिव तो वन होता है ना तो ये तो ख़त्म हो जाएगा तो ये हाल tan इनवर्स x ओवर y रह जाएगा आगे चलते हैं यहाँ देखें फिर इसका एल्सियम बनना है ओवर में वाइस्केयर है ना तो वो वाय स्केयर वनज आर वायस्केयर और साथ ही एक्स का स्केयर और जो ओवर में वाइस्केयर एल्शियम आना है उसने उल्ट के ऊपर चला जाना है ये स्टेप भी हर सवाल में हुआ है चाहे वो रख में चेंज हुई हैं लेकिन ये एल्शियम लेने का मेथड हर सवाल में हुआ है इनवर्स वालों में बहरहाल इस पर देखें फार्मूला या डेरिवेटिव इसका लेना है तो ये देखें ओवर में है तो ओवर वाले का क्वेश्चन रूल लगाएंगे नीचे वाला वाई ऊपर आ गया एक्स का डेरिवेटिव वन फिर एक्स कॉन्स्टेंट और वाई का डेरिवेटिव वाई का डेरिवेटिव तो डी वाई ओवर डी एक्स होगा और नीचे जाहिर है वाले वाली अमाउंट का स्केर लेते हैं ये जो tan इनवर्स एक्स ओवर वाई है इसकी जगह आप वाई ओवर एक्स लिख सकते हैं क्योंकि तो ये शुरू में उसने कहा है कि टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई जो है वो वाई ओवर एक्स के इक्वल है तो आप यहाँ इसकी जगह ये लिख सकते हैं अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे और आंसर आएगा अब देखें एक तो ये है कि वाई स्केयर और वाई स्केयर ये कट जाएगा ये एक्स आ गया साथ ये वाई वनजार वाई और ये साथ ये अमाउंट और नीचे एक्स केयर और वाई स्केयर ये दोनों आएंगे साथ ये वाली अमाउंट आ गई ठीक हो गया अब देखें प्रॉब्लम ये है कि डी वाई ओवर डी एक्स इधर है तो एक डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ फंसा हुआ है ठीक है ये इस जगह पे आके तो इसको आजाद कराना है किसी तरह तो इन इन दोनों रकमों को लैदा करवाएं एक तो ये एक्स है मल्टीप्लाई कराए ना एक्स वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर यह देखें ये लिखा है और x ने जब यहां आना है तो x और x x का स्केयर हो जाएगा सो एक्स स्केयर डी वाई ओवर डी एक्स ओवर में ये वो हमने लैदा कर दिया तो ये अमाउंट लैदा ये अमाउंट लैदा साथ ही इसको लैदा अब क्या होगा कि ये चूंकि डेरिवेटिव वाली टर्म है इस सारी को उठा के उधर ले जाएंगे ठीक है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये सारी अमाउंट तो ये देखें इसको हमने लिखा कि ये डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वो वाली अमाउंट जो उधर से आई है और उधर जो दो रकमें पड़ी हुई थी वो रख ली अब देखें इधर भी ओवर है पहले तो जाहिर है डी वाई ओवर डी एक्स कामन ले लेना इसमें से इधर वन रह गया और इधर ये वाली जो अमाउंट है वो रह गई और इधर चूंकि दोनों का ओवर बन ही रहा है तो इनका तो एलसीएम जो है वो लिया जा सकता है तो इनका एलसीएम लेंगे एल्शियम ऑलवेज वही होता है ये जो दो नीचे दोनों हैं वो नीचे आ गई और ये उसके साथ और ये उसके साथ क्रॉस जैसे मल्टीप्लाई होती हैं वो लिख लें ये आम एक रूल है एल्शियम का ठीक है इसको हम उस तरह से रख लेंगे इधर भी ज़ाहिर एल्शियम होना एक्स केयर प्लस वाई स्केर एल्शियम एक एक्स प्लस वाई स्केयर वन जार वही चीज़ आ गई साथ ही एक्स आ गया ठीक हो गया यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवा लें एक्स केयर वाई और इधर से या वैसे ये देखें वाई कामन आता है दोनों में से इधर भी y है इधर भी y है तो ये y अगर बाहर निकाल दें पीछे रह गया x का स्केयर और ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर वो रह गया साथ नीचे वाली अमाउंट कि ये y तो वैसे ही नीचे वाला ये x भी वैसे ही एक्स स्केयर और एक्स स्केयर टू एक्स केयर हो जाएगा साथ ये वाई स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा ये वाली अमाउंट भी उठ के उधर चली जाएगी और ज़ाहिर उल्ट जाती है एक्स केयर प्लस वाई स्केर ऊपर और ये भी एक्स स्यर एक्स टू एक्स होगा साथ वाई स्केयर और ये exactly सेम है ये सारी इससे कटेगी ये सारी इससे कट जाएगी और सिर्फ ये y ओवर x रह जाएगा तो देखें अल्टीमेटली हमें यहाँ पहुँचना था कि डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो y ओवर x के इक्वल है लो जी लास्ट वाला क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्ल टू टैन ऑफ p tan इनवर्स x, तो फिर शो कराएँ कि ये वाली अमाउंट सेम आती है प्रूव करना है हमने इसको अब इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू टैन ऑफ p tan इनवर्स तो अब देखें इधर दो टैंस हैं तो एक ये जो टैन है और है भी सीधा इसको ले जाए उस तरफ ताकि एक तो उधर भी चला जाएगा और दूसरा उसका इन्वर्स भी बन जाएगा उधर जाकर उसने इन्वर्स ही होना है ना टैन इनवर्स वाई और ये पी टेन इनवर्स अब दोनों तरफ टैन इनवर्स आ गए तो कोई बात नहीं दोनों पे इन्वर्स का फार्मूला लगा ले तो फार्मूला क्या था y है ना तो tan का फार्मूला वन ओवर वन प्लस एंगल का स्केयर तो एंगल जो भी है y उसका स्केयर लेकिन चूंकि y है तो हम तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स हमें साथ लिखना है यही काम इधर p लिखा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव वन ओवर वन प्लस एक्स के और चूँकि x के, के लिहाज सही है तो फिर इसका आगे से वो नहीं लिखता डी एक्स ओवर डी एक्स वो तो वन होना ही है तो उसको लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लिख लिया अब देखें ये थोड़ा ये है कि डी वाई ओवर डी एक्स को उसको उसने नाम रखा हुआ वाई वन ठीक है फर्स्ट डेरिवेटिव वाई वन वो कह लेता है ठीक है तो हम भी उसको y1 कह देंगे डेरिवेटिव को बाकी सारा एज इट इज़ लिख लेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसका ओवर उधर जाके सीधा हो जाएगा इसका ओवर उधर जाके सीधा हो जाएगा वन प्लस एक्स स्यर ने वाई वन के पास आ जाना है वन प्लस वाई स्केयर ने पी के पास आ जाना है और फिर एक स्टेप और है उसने कहा हुआ कि ये सारा उठाएं और इस साइड पे ले आए जाहिर है इधर बाहर ये प्लस का साइन है उधर आके माइनस का साइन हो जाएगा तो बस एग्जैक्ट यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी चले जी अल्लाह अल्लाह करके हमारी ये एक्सरसाइज डन हो गई ओके फिर बच्चों अल्लाह हाफिज